ओम ज्ञान तिमिरं धस्स ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभिर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदानंद श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। एवं श्रील गौर गोविंद महाराज भक्ति वेदानंद श्री स्वामी महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्री जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे। जगन्नाथ जी की विशेष विशेष महत्व है श्री जगन्नाथ जी के, इसलिए जगन्नाथ जी का तत्व को जो जानते हैं साधारण रूप में जगन्नाथ जी को देखने पर लगता है जैसे वो द्वारका में रहते हैं, पूरी उसको द्वारका माना गया। लेकिन जब रसगत विचार हम करते हैं, लेकिन हमारे गोस्वामी लोग फिर चैतन्य महाप्रभु जगत में राधा रानी की भाव को और उनका अंग गांति को लेकर के आए वो ब्रजरस आस्वादन करने के लिए। लेकिन महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, फिर वो जगन्नाथ जी को फिर क्यों दर्शन करते हैं? उधर राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आए, फिर रोज रोज क्यों जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं? स्वरूप दामोदर राय रामानंद और जितने हमारे गोस्वामी वो रोज रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, इसलिए वो ऊपर से जैसे देखता है वो द्वारका में, लेकिन उनका जो भाव है जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो स्वरूप को जो जानते हैं, इसलिए श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथ जी का अष्टक का जो प्रथम श्लोक में कह रहे हैं बोले कदाचित कालिंदित विपिन संगीत तरला मुदा भिरिनारी बदन कमल आस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपती गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जब महाप्रभु ये स्तुति करते हैं वो ब्रज भाव से, कहते कृष्ण कौन है? बोले वो कन्हैया, कहते जगन्नाथ जी वो कृष्ण है, कहते जमुना किनारे में जो भ्रमण करते हैं, कहते गोपियों को जो मुखार बिंद रूपी जो कमल है
उसको कमलों के साथ में उदाहरण दिया, कृष्ण का जो नेत्र है उसको भ्रमर के साथ में उदाहरण दिया। जैसे भ्रमर मधुओं का पुष्पों को आहरण करते हैं, उसी तरह से जगन्नाथ में भी गोपियों का मुख कमल रूपी मधुओं को ये आस्वादन करते हैं। इसलिए श्री गौर गोविंद महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जगन्नाथ जी की जो तत्वों को कहते हैं, कहते श्री महाप्रभु कौन है, बोले कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रज नंदन, और कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। बोले श्री जगन्नाथ जी, बोले राधा प्रेम में विभागित है, राधा प्रेम राधा जी को ये ढूंढ रहे हैं। कहते अभी वो कथा सुन रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे ये जगन्नाथ जी ऐसे क्यों हुए। कहते ब्रज की कथा सुनते सुनते, कृष्ण की कथा सुनते सुनते, कृष्ण का माधुरिमा और श्री ब्रजवासियों का माधुरिमा सुनते सुनते, ब्रज गोपियों की राधा रानी की प्रेम की कथा सुनते 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 कृष्ण द्रवीभूत होकर के श्री जगन्नाथ जी बने, सुभद्रा और बलदेव प्रभु। कहते केवल राधा रानी की कथा सुनते 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 द्रवीभूत, मतलब ये जो विग्रह है ये संपूर्ण राधा जी की भाग में ये विभावित है। इसलिए जगन्नाथ जी की विशेष महत्व है, इसलिए गौर गोविंद महाराज का विशेष महत्व, तब भी महाप्रभु और रोज रोज जाकर श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, जो राधा जी की भाव का आस्वादन करने के लिए आए। और महाप्रभु जब श्री जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा दर्शन करते समय, कहते रथ यात्रा दर्शन करते समय में भी वो इसी भाव है, कहते सही तो प्राण नाथ पायनो जहला की मदन तहन थुदन, राधा रानी महाप्रभु राधा जी की भाव में, कहते वही मेरे ब्रज ब्रज नंदन श्याम सुंदर जो बड़ी दिनों के बाद में हम उनको मैंने दर्शन किया है। हाँ, इसलिए रथ यात्रा मतलब है जब राधा रानी कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण को साथ में मिले, बोले वही आप हो वही मैं हूँ, लेकिन वो वृंदावन की भाव नहीं है, यहाँ पर तो हाथी घोड़ा सैन्य सामंत, यहाँ पर कहाँ ऐश्वर्य भाव है। अगर आप मुझे आनंद देना चाहते हो, मेरे हृदय रूपी रथ में बैठो, बैठा करके आपको हम वृंदावन में ले जाएंगे। जब हम यमुना किनारा में सुंदर, जहाँ यमुना नदी बह रही है, जहाँ पर बेली चमेली जूही सुंदर सुंदर जहाँ पुष्प खिले हुए वृंदावन धाम, जब हम निकुंज में हम मिलते थे, वो जो आनंद वो आनंद नहीं। इसलिए राधा रानी वो कृष्ण को अपना हृदय रूपी रथ में बैठा करके और ले जा रहे हैं वृंदावन, द्वारका से बाहर कुरुक्षेत्र से वो वृंदावन ले जा रहे हैं श्री जगन्नाथ जी को, कृष्ण को। इसलिए कहते श्रीमान महाप्रभु जब श्री जगन्नाथपुरी में आए, अभी महाप्रभु अभी रथ यात्रा को उसमें मिलन होना चाहते हैं, केवल एक ही फेस्टिवल है जिस फेस्टिवल में सारे भक्त महाप्रभु के सारे भक्त, जितने ब्रज के भक्त, जितने जितने नवद्वीप के भक्त, जितने से जगन्नाथ जी के भक्त, केवल एक ही उत्सव है महाप्रभु के सारे परिकर जहाँ पर एकत्रित होकर के श्री रथ यात्रा महोत्सव को पालन करते थे। और महाप्रभु जगन्नाथ जी को सामने सात दल में, एक एक दल में दो दो मृदंग दिया। हाँ, जगन्नाथ जी को सामने चार दल, इधर एक दल, इधर एक पार्टी और पीछे एक पार्टी, वहां पर सात पार्टी बना करके महाप्रभु भक्तों को साथ में कीर्तन करते 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 श्री जगन्नाथ जी को खींचते हुए ले जा रहे थे राधा भाव में विभावित होकर के। इसलिए ये जो रथ यात्रा है ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए एक विशेष तिथि है। इसलिए आप जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जाओ, जितने गौड़ीय वैष्णवों को केवल एक ही फेस्टिवल है जहां पर सबको दर्शन मिलेगा, सारे भक्त सारे हाँ महाप्रभु के भक्त जगन्नाथ जी रथ यात्रा में सम्मिलित तो होते हैं। श्रीमन महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, वहां पर एक गुंडीचा मंदिर है, ये गुंडीचा देवी कहते श्री राजा श्री प्रताप रुद्र के, कहते उनकी पत्नी का नाम था श्री गुंडीचा देवी। अभी जो जगन्नाथ जी जो प्रकाशित हुए हैं, इसका जो मूल कारण है उनकी पत्नी है। कहते एक समय
कुछ संत लोग आए राजा का राज्य में और वहां पर बड़े सुंदर सुंदर हरि कथा सुनाए। राजा बड़े सत्संग प्रेमी, राजा रानी दोनों गए कथा सुनने के लिए। वो संत लोग जो भ्रमण करते 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 आए थे, उन्होंने बोले सब जगह में तो गए बढ़िया लगा, लेकिन एक जगह हमें सबसे बढ़िया लगा। बोले कौन सा? बोले नील माधव। एक स्थान है नील माधव, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, जैसे गिरिराज गोवर्धन, जैसे जैसे जमुना नदी बहती है वहां पर महानदी बह रही है। सुंदर सुंदर फल फूल, सुंदर से अद्भुत स्थान है। और ठाकुर जी की चरण से स्वयं गंगा प्रकट हुई। जो लोग गए होंगे वहां पर, जैसे शरीर से पसीना निकलता है, ठाकुर जी की चरण से अपने आप पानी निकलता है। वो गंगा स्वयं ठाकुर जी के चरण से प्रकट हुई। जो जाते हैं वही चरणामृत सबको वही चरणामृत देते हैं। बोले सबसे बढ़िया स्थान हमें लगा। राजा रानी जब कथा सुन करके आए अपना महल में विश्राम करने के लिए, रानी ने राजा को बताए। बोले सुना, बोल रहे थे कि सुंदर स्थान नील माधव सबसे बड़ा सुंदर स्थान है, गंगा प्रकट हुई अद्भुत स्थान। कल हम फिर ये संतों को पूछेंगे और नील माधव कहाँ है, फिर हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन वो संत लोग जो आए थे रात को तो बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाए, लेकिन वो रात रात कहीं चले गए। राजा रानी जब सवेर देखा ये कहीं चले गए, रानी को मन में प्यारे बड़े व्याकुलता हो उठा। बोले इतने सुंदर ठाकुर जी कथा सुनाए, हम पूछना चाहते कहीं चले गए, हमें पता ही नहीं चला। फिर रानी तो राजा से बोले, किसी तरह से पता लगाओ ये नील माधव कहाँ, हम जरूर दर्शन करने के लिए जाएंगे। फिर राजा अपना सैन्य सामंत को चार दिशाओं में भेजा, और विशेष करके उन्होंने कहा कि जो कुलपुरोहित विद्यापति था हाँ, उसको दक्षिण देश में भेजा। लगता है वो दक्षिण तरफ में वो ठाकुर जी है, उनको दक्षिण दिशा में उन्होंने भेजा उनको। और आप लोग सब जानते होंगे बहुत लंबी कथा है, इसलिए उन्होंने ही किसी तरह से श्री नील माधव जी को उन्होंने प्रकाशित किया। हाँ, कभी नील माधव जी ही ये जगन्नाथ रूप में, श्री नील माधव स्वयं ये जगन्नाथ जी के रूप में ये नील माधव जी ये प्रकट हुए। कभी इसका मूल कारण क्या है? बोले मूल कारण उनका पत्नी का नाम गुंडीचा। गुंडीचा की वजह से, पत्नी की वजह से उन्होंने इतना पता लगाया और जगन्नाथ जी को प्रकाश किया। जब राजा ने ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को प्रकाशित किए, अभी राजा सोच रहे हैं सारा दुनिया तो मेरा नाम ले, कि राजा ने ये मंदिर को स्थापन किया, लेकिन इसका जो मूल कारण है मेरी पत्नी ये गुंडीचा। इसने बोले ठाकुर जी को पता लगाओ, इसका तो नाम दुनिया में कोई लेगा ही नहीं, इसलिए जो गुंडीचा मंदिर हाँ, उन्होंने को मंदिर का नाम उसको पत्नी का नाम पर रख दिया। सारा दुनिया जब तक जगत रहेगा गुंडीचा मंदिर होगा, कम से कम मेरे पत्नी का नाम जगत में रहेगा, क्योंकि इसी की वजह से जगन्नाथ जी प्रकाशित हुए हैं, इसलिए उनका नाम गुंडीचा मंदिर रख दिए। अभी ये गुंडीचा मंदिर को माना गया ये वृंदावन, और जगन्नाथ मंदिर को माना गया है द्वारका। ठाकुर जी द्वारका से वो वृंदावन यात्रा करते हैं, और वो जो मंदिर केवल ठाकुर जी वहां 9 दिन कभी रहते हैं, ठाकुर जी केवल 9 दिन वहां विश्राम करते हैं, और सारा साल वहां खाली पड़ा हुआ रहता, खाली सारा साल खाली रहता है। इसलिए शिवपुरी का राजा जगन्नाथ वहां जाने से एक दिन पहले उन्होंने चाकरों को दे करके, नौकरों को दे करके वो मंदिर का उन्होंने साफ सुथरा करवा दे, वो मंदिर को परिष्कार करवाते हैं। लेकिन वहां पर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु थे, बोले भगवान का मंदिर को नौकरों को द्वारा इसको साफ करवाएंगे? बोले नहीं, नौकरों से नहीं, जहां स्वयं कृष्ण बैठेंगे उसको तो प्रेम से, उसको तो हृदय से, अपना हाथों से परिष्कार करनी चाहिए। श्रीमान महाप्रभु स्वयं ये परिष्कार झाड़ू लगाने का सेवा को महापुरुष स्वयं मांग करके लेते हैं। बोले ये सेवा मुझे दे दो, मैं अपना भक्तों को साथ में ये परिष्कार कराऊंगा। देखो कोई साधारण सेवा हो ना, ये सुई पर का सेवा है,
ये झाड़ू लगाने सेवा है, स्वीपरों का सेवा है, जो सबसे घटिया सेवा है, इसको कोई करना नहीं चाहते, स्वीपर का सेवा। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं वो झाड़ू लगाने का सेवा को मांग करके लेते हैं। इसलिए भक्ति जगत में भगवान का मंदिर में जो झाड़ू लगाते हैं, इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। इसलिए श्रील भक्त विनोद ठाकुर अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूँ? बोले ये मैं नाम हाट का झाड़ूदार हूँ। बोले श्री श्यामानंद प्रभु को राधारानी का कृपा कैसे मिली? कि बोले झाड़ू लगाते लगाते। ओ हरे कृष्ण, आई थिंक हियर सो मेनी वेस्टर्न डेवोटी, आई थिंक दे आर डोंट नो हिंदी, आर यू अंडरस्टैंड? आई थिंक इधर तैयारी, तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या ए बच्चा? क्या प्राण गोपाल, यू नो ही कैन हु हैव नॉट हेड फॉर who have not headphone, don't headphone, they can sit the close to this. Pranagopal. He can do translate, you know. He can sit the close to him. Hare Krishna. Everybody close to him. तुम भी इधर ट्रांस, जिसके पास में हेडफोन है, तुम इसमें करो, जिसके पास में हेडफोन वो सुनते रहे। जिसको पास में हेडफोन नहीं वो शशिकला की कथा सुने, और जिसके पास में हेडफोन नहीं वो प्राण गोपाल का पास में बैठ जाए। हु इज द हैव नॉट हेडफोन, दे कैन सिट टू नियर टू प्राण गोपाल। हरे कृष्ण। माधवी, यू नो इंग्लिश, यू नो हिंदी, यू डोंट नो हिंदी, यू कैन सिट क्लोज टू हिम। ओके, बल श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। देखो भगवान का दरबार में झाड़ू लगाने का कितना महत्व है। ये स्वयं महाप्रभु ये झाड़ू लगाने का सेवा उन्होंने मांग करके लिया है, जो सबसे छोटा सेवा है, हाँ? सबसे जो स्वीपर का सेवा महाप्रभु का, तो मेरे को दो। और वो काम कौन करते हैं? महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर, ये लोग झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, हाँ? जो स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं बलदेव प्रभु, गदाधर पंडित राधारानी, अद्वैताचार्य महाविष्णु, स्वरूप दामोदर, ये ललिता सखी, ये क्या काम कर रहे हैं? झाड़ू लगाने का सेवा। कभी सेवा को वो मांग करके लेते हैं। इसलिए भगवान का दरबार में झाड़ू लगाने का कोई साधारण बात नहीं। देखो ये पुराण में की कथा है। बोले एक समय कोई एक राजा था, वो अपना हाथों से रोज जाकर के मंदिर को साफ करता था और मंदिर में झाड़ू लगाता था। लोगों ने कहा, तुम राजा हो, तेरे पास में इधर नौकर चाकर है, तुम जाकर के मंदिर में झाड़ू क्यों लगाते हो? रोज ये मंदिर को पोछा क्यों लगाते हो? उसने कहा, मेरा पूर्व जन्म की मेरा बात याद है। बोले क्या याद है? बोले एक समय मैंने एक बेस्या को लेकर के गलत काम करने के लिए गया जंगल में। मेरे को पता नहीं था ये भगवान विष्णु का मंदिर। वो मंदिर में मैंने गलत काम करने के लिए वो मंदिर को मैंने साफ किया और मैं गलत काम किया, लेकिन ठाकुर जी मेरे गलत चीज को ठाकुर जी देखे नहीं। मैंने जो मंदिर को साफ किया, ठाकुर जी वो चीज को देखे, और अभी मेरे को राजा बन करके मैं जन्म लिया है। केवल एक बार भगवान का मंदिर को साफ कर दिया तो, अगर गलत काम करने के लिए अगर मंदिर की साफ करो अगर राजा बने, अगर हम भक्ति से भगवान का मंदिर को साफ करें तो फिर ठाकुर जी हमें क्या नहीं देंगे? इसलिए मैं रोज आकर के भगवत मंदिर को मैं साफ करता हूँ, रोज परिष्कार करता हूँ। इसलिए कहते श्री श्यामानंद प्रभु को राधा रानी की जो चरण की जो नुपुर कैसे मिली? कल ये झाड़ू लगाते लगाते श्यामानंद प्रभु रोज
निकुंज वन निधुवन में झाड़ू लगाया करते थे। केवल राधा रानी की कुंज की सेवा करते करते उनको राधा रानी की चरण की नुपुर और राधा रानी के दर्शन उनको प्राप्त हुई। कहते जगन्नाथपुरी में बोले एक समय एक राजा जिनका नाम था पुरुषोत्तम थे, बड़े प्रताप राजा थे। अभी वो नवजवान है, उनकी शादी के लिए देख रहे कहा इनको शादी करा जाए। एक देश था जिसका नाम था कांची, वहां का राजा बड़े प्रभावशाली, उनको बड़ी सुंदरी प्यारी एक लड़की थी। राजा ने देखा मैं अपना बेटी को हम कहाँ शादी कराए, देखा जगन्नाथपुरी का जो राजा पुरुषोत्तम देव वो बड़े प्रभावशाली है, उनको साथ में हम शादी कराए। हैं एक दिन वो देखने के लिए आए, उन्होंने सुना पृथ्वी में सबसे जो बड़ा फेस्टिवल बताया जगन्नाथ का रथ यात्रा है, इतने लोग कहीं नहीं होते, इतना बड़ा रथ कहीं नहीं बनता। वो देखने के लिए आए मेरे जो दामाद बनेगा वो कैसे ये फेस्टिवल को मनाता है। उन्होंने आ करके देखा वो क्या कर रहा है। अब रथ यात्रा में देखना वो झाड़ू लेकर के, सोने की झाड़ू लेकर के जगन्नाथ के रथ को सामने झाड़ू लगाता है। उन्होंने देखा वो मेरे दामाद बनेगा, राजा है और ये झाड़ू का क्या काम कर रहा है। अगर कोई देखने के लिए आए तेरे दामाद कैसे है, वो अगर देखे ये झाड़ू लगाता है सबके सामने, बोलेंगे एक झाड़ूदार को साथ में बेटी को शादी दिया। बोले ऐसे व्यक्ति को साथ में अपना बेटी को मैं शादी देना नहीं चाहता। वो दुखी होकर चला गया। पूरी राजा ने देखा क्या हो गया, ये तो बेटी को शादी देने के लिए बात कर रहे थे और उनने ये बात को बंद क्यों कर दिया। उनने एक दूत को भेजा, जा करके देखो इन्होंने शादी की बात बंद क्यों कर दिया। उसने कहा हम एक झाड़ूदार को साथ में अपना बेटी की शादी नहीं दे सकते, हम देखने के लिए गए और झाड़ू लगा था मेन रोड में, उन्होंने मना कर दिया झाड़ूदार बोल करके। राजा सुनते ही इतने बिगड़ गया, बोले हाँ मैं झाड़ूदार तो हूँ। बोले किसका झाड़ूदार? बोले जगन्नाथ जी का, जगतपति जगन्नाथ जी का मैं झाड़ूदार हूँ। कहते रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। बोले जगन्नाथ कौन है? बोले जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा शंकर नारद हाँ स्वयं बलदेव प्रभु जिनकी चरण की सेवा करते हैं। मैं तो सोचता हूँ मेरा अहो भाग्य है ठाकुर जी थोड़ी सी मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, मेरे को झाड़ूदार बताया, मैं जगन्नाथ जी का झाड़ूदार हूँ, साधारण व्यक्ति का हूँ। बोले इसको दंड देना पड़ेगा। उन्होंने खबर भेज दिया मैं तेरे राज्य को ऊपर चढ़ाव करूंगा, युद्ध करके तेरे बेटी को जीत करके लाऊंगा और झाड़ूदार को साथ में शादी करवाई, मेरे को झाड़ूदार तुमने बताया हाँ, तेरे बेटी को झाड़ूदार को साथ में शादी करा देंगे। अभी उनका अंदर में शर्त रहा, इनका इष्ट जगन्नाथ जी और उसका इष्ट एक गणेश, एक भंड गणेश है। बोले जो हार जाएगा उसको इष्ट देव आकर के उसको इष्ट देव को पीछे बैठना पड़ेगा। अगर पुरी का राजा हार गया इनका इष्ट जगन्नाथ, वो जाकर उनका इष्ट गणेश जी को पीछे बैठना पड़ेगा। वो अगर हार जाएगा वो गणेश आकर के जगन्नाथ जी को पीछे बैठेगा। ये शर्त रहा। पुरी राजा युद्ध करने के लिए गया, दिन भर युद्ध किया लेकिन परास्त नहीं कर पाया। बड़े दुखी होकर के शाम को लौट करके आ गया, सीधा जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। बोले हे प्रभु मेरे को उसने अपमान किया है, मैं झाड़ूदार तो तेरा हूँ, अगर मैं हार गया तो ये हार तुम्हारा है, अगर मैं जीत गया तो ये तुम्हारा ही जीत है, अगर मैं हार गया आपको जाकर के उसको इष्ट को पीछे बैठना पड़ेगा, ये चीज को याद रखो। उन्होंने जगन्नाथ जी को जब प्रार्थना किया उसको थोड़ी सी जब झपकी जब नींद आई, जगन्नाथ जी सपने में आए। बोले कोई चिंता मत कर, कल हम दोनों भाई कृष्ण और बलराम तेरे पक्ष में कल हम युद्ध करने के लिए जाएंगे, कोई चिंता मत कर। सचमुच से कृष्ण बलराम दोनों आपको जगन्नाथपुरी कौन कौन गए, जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी कौन कौन गए, हाथ उठाओ तो जगन्नाथपुरी कौन कौन गए, जगन्नाथपुरी कौन कौन गए, जगन्नाथपुरी। अब देखना जो दक्षिणी दरवाजा, जो दक्षिणी दरवाजा में वहां दो घोड़े के ऊपर में कृष्ण बलराम बैठे हुए, उनका जो दक्षिणी दरवाजा जगन्नाथ जी कृष्ण बलराम बैठे हुए, उसी रूप में वो युद्ध करने के लिए गए थे।
राजा के लिए उन्होंने युद्ध करने के लिए गए थे। उन्होंने जब युद्ध करने के लिए चाह रहे थे, एक ग्वाल भी थी जिसका नाम थी मानकी, वो दही बेच रही थी। उसको ऊपर में ठाकुर जी कृपा करने के लिए बोले, हमको थोड़ा दही पिला दोगे, सबर हमने कोई भोजन नहीं किया, बड़े भूखे। देखा बड़े सुंदर बालक है, ये तो भगवान स्वयं थे, श्याम रंग के, गौर रंग के, काले सफेद घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने तो दोनों को इतने दही, उसको पास में जितना दही था, वो तो बचपन में मक्खन चोरे दही खा खा उनका आदत है, सारे दही को उन्होंने खा लिया। तो उन्होंने बोले पैसा दो, बोले पैसा दो, और दोनों झांकने लग गए, बोले पैसा नहीं, बोले खा लिया, तुम सोचा नहीं इसी से जो थोड़ा जो मैं पैसा कमाती हूँ उससे अपना संसार चलाती हूँ, वो पैसा है नहीं, सबके सब दही खा लिया और पैसा मांगे तो झांक रहे हो। तो उसने कहा देखो एक काम कर लो, हमारे पास एक मुद्रिका है, अंगूठी है, इसको लो, वो था हीरे का, लेकिन वो ग्वाल नहीं, वो क्या हीरे का कीमत जानती है, बोले सारे दही खा लिए, एक पत्थर देकर जा रहे हो, उनको पता नहीं वो हीरे का कितना कीमती है, बोले पत्थर देकर जा रहे हो, बोले कोई चिंता मत करो, हमारे पीछे पुरी का राजा आ रहा है, आप ये मुद्रिका अंगूठा उनको दिखाना, बोला आपका दो सैनिक पहले युद्ध करने के लिए गए, उन्होंने सारे दही खा लिया और हमें पैसा दो। तब कृष्ण बलराम चले गए, जब पुरी का राजा जब पीछे आ रहा था अपना सैन्य सामंत को साथ में, वो जो ग्वाल ने बोले महाराज रुको रुको, बोले क्या बात है, बोले आपका दो सैनिक पहले युद्ध करने के लिए गए हैं और हमारे सारे दही खा लिया, पैसा नहीं दिया और एक पत्थर का अंगूठी देकर गए, बोले राजा को दिखा देना। राजा दिखा, उसमें स्वयं राजा मुद्रिका को बना करके जगन्नाथ जी को पहनाया था, उसमें श्री जगन्नाथ जी का नाम लिखा हुआ हीरे का, वो मुद्रिका था हीरे का। बोले ये तो मैंने जगन्नाथ जी को धारण कराया था, वो तो हीरे का अंगूठा है। वो समझ गए कृष्ण बलराम स्वयं युद्ध करने के लिए गए और इससे दही खा कर गए। फिर राजा उसको चरण में गिरे, प्रणाम किया, बोले तू कितने सौभाग्यवान हो, स्वयं ठाकुर जी स्वयं कृष्ण बलराम और तेरे पास में दही खा कर गए, वो साधारण नहीं, मेरे प्रभु जगन्नाथ और बलदेव प्रभु। तब राजा इतने प्रसन्न हुए, हीरे जवाहरातों से उसकी झोली को भर दिया, खूब माल दिया, बोले आज से तुम यहाँ से जितने दूर तक तुम्हारी नजर जा रही, जितना दूर तक देखो, जितने दूर तक तुम्हारी नजर जा रही है, आज से तुम यहाँ की रानी हो। उसका नाम पर अभी भी वो स्थान का नाम है मानकी पाटना, एक गांव का नाम है, उनको वही रानी बना दिए। जब पूरी राजा गए, उन्होंने देखा कृष्ण बलराम युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो जितने युद्ध कर रहे थे उसका जो इष्ट था राजा का वो था गणेश, उसको गोद में थी रिद्धि सिद्धि स्वयं उनको पत्नी, वो जितने सैनिक को बध कर रहे थे वो इतना सैनिक को प्रसव कर रही थी। कृष्ण बलराम देखा मैं जितने मार रहा हूँ उतने सैनिक कहाँ से आ रहे हैं, पता चला ये गणेश जी की गोद में जो रिद्धि सिद्धि है यही सारे सैनिक को प्रकट कर रहे हैं। जगन्नाथ जी को तो बड़ा क्रोध आया, उन्होंने उठाया धनुष और बोले तेरे को मैं मार दूंगा, गणेश जी को बोले धनुष उठा बोले तुमको मार दूंगा, तुम ऐसे गड़बड़ी काम कर रहे हो। गणेश जी थर गए, बोले प्रभु मेरे को मारो मत, मेरे को मारो मत, मैं सैनिक को प्रसव करना बंद कर देता हूँ, उसने बंद करवा दिया। फिर राजा ने वहां के जो कांची राजा को परास्त किया, परास्त करके बंदी बनाए और पूरी राजा को चरण में डाल दिया, बोले जो कुछ करना इसको करो। और राजा जब वहां से आए, वहां से चार चीज को लेकर के आए थे, एक में तो मयूर सिंहासन, आप सुने होंगे जो जिसको ब्रिटिश ने ले लिया, ये मयूर सिंहासन बहुत कीमती, जिसमें हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे, भारत से ले आए, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया बताई है, इसलिए वहां से इसको ले आए। दूसरे चीज लाए थे, आप जगन्नाथपुरी में जब गंभीरा जाएंगे वहां पर के राधाकांत विग्रह, कृष्ण का राधाकांत विग्रह, उसको लेकर के आए। तीसरा चीज लेकर के आए वहां के गणेश, कभी जगन्नाथपुरी जाओगे मंदिर में जाओगे ठीक जगन्नाथ जी को पीछे वो गणेश जी बैठे हुए हैं,
आप देखना वो गणेश जी, और जो चौथा चीज लेकर के आए वहां से वो लाए उनके बेटी को। उन्होंने बोला था झाड़ूदार को साथ में हम शादी देंगे, वो बेटी को लेकर के आए और मंत्री को दिया, बोले महामंत्री लो ये बेटी को, कोई अच्छे एक झाड़ूदार को साथ में इसकी शादी करा देना। हाँ, बोले झाड़ूदार को साथ में शादी करा देना। अभी मंत्री लोग बड़ी चिंता में पड़े, अभी यही रानी बनने वाली थी, राजा के साथ में शादी रानी बनने वाली थी, वो कह रहे झाड़ूदार को साथ में शादी कराओ। उन्होंने बेटी को छुपा कर रख दिया। बोले एक साल के बाद में फिर जब जगन्नाथ या रथ यात्रा होगा, राजा फिर झाड़ू लगाएंगे, फिर ये बेटी को दुल्हनी बना करके, बहू बना करके, फिर इसको राजा जी को अर्पण कर देंगे। एक साल के बाद में फिर जब रथ यात्रा हुई, राजा जब फिर झाड़ू लगाए, इसको बड़ी सुंदर दुल्हनी बैठा कर बना करके पालकी में बैठा करके ले गए। बोले जाओ राजा जी गले में ये फूल की माला डाल दो। राजा जी को गले में फूल की माला डालने के लिए गई। राजा बोले ये क्या, मैंने कहा था एक झाड़ूदार को साथ में, अच्छे झाड़ूदार को साथ में शादी देने के लिए, तुम क्या किया? बोले प्रभु आपसे बढ़िया झाड़ूदार कौन मिलेगा, कहते आपसे बढ़िया झाड़ू लगाने वाले कौन मिलेगा, इसलिए प्रभु जी आप इसको ग्रहण करो। फिर राजा उसको ग्रहण किया है। इसलिए देखो भगवान के दरबार में ये झाड़ू लगाने का कितने महत्व है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में थे, वहां का जो राजा, वो जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे। महाप्रभु बोले विषय का दर्शन में नहीं करता हूँ, ये महाभोगी है राजा, हमें सन्यासी हूँ, सन्यासी का कर्तव्य नहीं किसी विषय व्यक्ति को दर्शन करे। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन महाप्रभु उनको बड़े संतुष्ट कैसे हुए, जब रथ यात्रा दर्शन करने के लिए गए, देखा राजा स्वयं जगन्नाथ जी को सामने झाड़ू लगा रहे। बोले इतने बड़े राजा, राजा होकर के झाड़ू लगा रहे हैं, जगन्नाथ जी कौन है? महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी। बोले मेरे लिए ये झाड़ू लगा रहा है, इतने बड़े उत्तम हरिया कर अथम सेवा। महाप्रभु रीझ गए, महाप्रभु संतुष्ट हो गए, कभी झाड़ू लगाने का सेवा देख करके, बोले तेरे ऊपर मैं जरूर मैं कृपा करूंगा। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को रथ खींचते खींचते एक स्थान जहाँ पर प्रभुपाद ने जन्म लिया, उसको पास में जगन्नाथ वल्लभ वाटिका है, जहाँ राय रामानंद भजन कुटीर है, महाप्रभु वहीं पर जा करके राधा भाव में विभावित होकर के वहीं पर विश्राम कर रहे थे। इतने में महाप्रभु का जितने परिकर थे, राजा बोला जल्दी जल्दी आ, ये बस राज पोशाक को त्याग करो, एक साधारण धोती पहनो, गला में गलवहनिया डालो और महाप्रभु का चरण दबाओ, महाप्रभु का चरण दबाओ और गोपी गीत को गाओ। उन्होंने महाप्रभु का चरण दबाते हुए उन्होंने गोपी गीत को गाए। बोले जय तीर्थधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत्र जय तीर्थधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत्र महाप्रभु की ये भजन गा रहे थे। जब उन्होंने ये श्लोक को बोला, वो तो महाप्रभु राधा भाव में विभावित होकर के मूर्छित होकर के पड़े हुए थे। जब उन्होंने कृष्ण कथा की कितने महिमा है, कथा नहीं भगवान की कथा अमृत है, गोपियां कह रही हैं ये कृष्ण विरह में हमें कौन मत करने वाले, बोले तुम्हारी कथा है,
तुम्हारी कथा नहीं, तुम्हारी कथा अमृत है। तप्त जीवन अब जीवन को शांत बना देता है। जब उन्होंने ये श्लोक को बोले, महाप्रभु तो एकदम प्रेम में गदगद हो गई और उन्होंने प्रताप रुद्र को आलिंगन किया, बोले तुमने हमें अमृत पान कराया। हाँ, उनको आलिंगन करते हैं, महाप्रभु को कृपा किया। बोले क्यों कृपा की? केवल ये झाड़ू लगाने की सेवा देकर। इसलिए महाप्रभु स्वयं अपना परिक्रम को लेकर के जगन्नाथ मंदिर में, गुंडीचा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसी को ऊपर में बहुत अच्छी बात बताए, बहुत अच्छी बात बताए। बोले महाप्रभु ये झाड़ू क्यों लगाए, ये मंदिर में झाड़ू क्यों लगाए? इसका तात्पर्य किया, गुंडीचा मंदिर मार्जन का रहस्य क्या है? पहले महाप्रभु झाड़ू लगा करके पहले जो कांटा थे, पहले ये कांटा को निकाले, उसको बाद में जो बड़े बड़े कंकड़ थे झाड़ू लगा करके उसको निकाले, उसको बाद में जो धूल था वो धूल को महाप्रभु निकाले, उसको बाद में महाप्रभु फिर पानी दे करके उसको अच्छे तरह से पानी दे करके धोए। अगर कहीं थोड़ा स्पॉट रह गया, कहीं दाग रह गया, महाप्रभु अपना कपड़े को लेकर के महाप्रभु उसको घीस 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 कर निकाले। तो इसी विषय पर प्रभुपाद बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, इसका गुंडीचा मंदिर मार्जन का रहस्य किया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो गुंडीचा मंदिर क्या है? बोले अपना हृदय है, अपना हृदय है। अभी वहां श्री जगन्नाथ जी जाकर बैठेंगे, इसका मतलब है हमारा हृदय रूपी मंदिर में अगर हम ठाकुर जी को बैठाना चाहते हैं, हमें क्या करनी चाहिए? बोले उसको साफ करो। भगवान कहाँ बैठेंगे? जहां पर निर्मल हो, जहां पवित्र हो, जहां पर शुद्ध हो, ठाकुर जी वहीं तो बैठेंगे। अपवित्र स्थान में तो ठाकुर बैठ नहीं सकते। इसलिए कहते अपना हृदय को, गुंडीचा मंदिर नहीं, कहते अपना हृदय को, पहले अपना हृदय को साफ करो। हाँ, पहले साफ करो। कैसे साफ करो? पहले पहले बड़े बड़े कंकड़ को निकालो, बड़े बड़े जिसमें जब कंकड़ है निकालो। बोले ये कंकड़ क्या है? हाँ, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं, और अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकुल्ये न कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। भगवान कब हृदय में बैठेंगे? जब हृदय में भक्ति आएगी। हाँ, लेकिन जब तक हमारा हृदय में संसार की तरह तरह का कामना वासना रहेगा, तब तक ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए पहले से पहले हृदय से जितने सारे कामना वासना है कृष्ण भक्ति को छोड़ करके, और जितने कामना वासना, सारे कामना वासना को हटाओ हृदय से। बोले कंकड़ क्या है? बोले ज्ञान है। हाँ, जो जीव चाहता है वो ब्रह्म में लीन हो जाए। बोले संसार में जब तक रहेंगे बड़े दुख कष्ट है संसार में, न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी। इसलिए जन्म लेंगे तब तो दुख कष्ट भोग करना पड़ेगा, पूरा ये संसार से मुक्त होकर के क्या करो? जो ब्रह्म में, वो ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को लीन कर दो, पूरा उसमें मिल जाओ। मिल जाओगे फिर तो जन्म नहीं होगा, लेकिन ये चीज को भी निकाल हृदय से, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए धर्म अर्थ काम इसको तो कहीं स्थान है ही नहीं। हाँ, कहते मोक्ष को भी उन्होंने स्थान नहीं दिया। बोले मोक्ष को सबसे बड़ा कपड़ा था बताया, मुक्ति को। बोले भैया सारा दुनिया चाहते मुक्ति 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 मुक्ति, आप कहते सबसे बड़ा कपट ये है। बोले सबसे बड़ा कपट क्यों? बोले इसलिए कपट है, जो जीव है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा जो असली स्वरूप है, हम भगवान के नित्य सेवक है, उनको सेवा करना भक्ति करना ये हमारे धर्म है। लेकिन वो ज्ञानी क्या चाहते हैं? हमें ठाकुर का सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, हम जो जीव स्वरूप धर्म जीव का सेवा वो हमें जरूरत नहीं, हम तो ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, जन्म नहीं होगा मृत्यु नहीं होगा बस। लेकिन ठाकुर जी की सेवा में हमारे कोई, कहते ये भैया भक्त लोग ये नहीं चाहते हैं, भक्त लोग चाहते हैं प्रभु जीवन में भले ही तू जितने दुख देना दे, लेकिन तेरा सेवा नहीं छूटे, तेरी भक्ति नहीं छूटे, तेरा भजन नहीं छूटे। भक्त लोग यही चाहते, तुम्हारी सेवा हमें चाहिए। हाँ, इसलिए पहले बोलते भैया ये ज्ञान को बताइए कि सुई साइड है। हाँ, ये सुई साइड बताया।
हाँ, इसे सुइसाइड मतलब जैसे कोई व्यक्ति सुइसाइड कर दुख कष्ट देकर सुइसाइड कर देता है, ये मुक्ति भी सुइसाइड है। कद वहां पर गति क्या है, जैसे एक पत्थर जैसे सैन से ही होकर के पड़ा रहता है, जैसे कि शराब पी करके बेहोशी होकर पड़ा रहता है, वो केवल वही है, वो बेहोशी होकर पड़ा रहता है, उसको कोई आनंद भानंद नाम कोई चीज नहीं है। इसलिए भक्त लोग वो नहीं चाहते वो चीज को, इसलिए बोले भैया कंकड़ को निकालो, बोले उसको बाद में बोले धूल को उनने झाड़ू लगाया, धूल को बोले धूल क्या है, बोले धूल है ये कर्म, कर्म मतलब है हम बढ़िया कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में रंभा उर्वशी मेनका वहां पर भोग करेंगे, शराब वहां पर अमृत पान करेंगे, वहां पर विषय भोग करेंगे वहां पर है। इसलिए और कर्म मतलब यहाँ बढ़िया बढ़िया कर्म करेंगे और जब तक इसी संसार में रहेंगे तब तक केवल भोग ही भोग करेंगे और कुछ नहीं है, केवल भोग ही भोग करेंगे यहाँ पर और कुछ नहीं। कहते भैया नहीं, ये भी अन्याभिलाषिता है, ये भी इसमें कोई भगवान की सेवा की कोई भावना नहीं है। इसलिए बोले भैया ये धूल को भी निकालो, ये धूल को भी निकालो। उसको बाद में बोले कहते धूल को भी निकाल दिया है, वहां पर ज्ञान को भी निकाल दिया है, निकाल दिया, लेकिन अभी ज्ञान कर्म को छोड़ देने पर भक्ति होगा वो नहीं। फिर उसको शीतल बनाओ, हृदय को शीतल बनानी चाहिए। हाँ, शीतल बनाए कैसे, बोले भगवान की भक्ति को द्वारा हृदय को शीतल बनाओ, जिसमें अनुकूलन कृष्णानुशीलन, जो काम करने पर भगवान संतुष्ट होंगे वो काम करनी चाहिए। बोले वहां पर भैया और एक चीज रह गया, उसमें जो कांटा था वो कांटा रह गया, महाप्रभु कांटा को भी निकाला। बोले ये कांटा क्या है, बोले कांटा है हमारा हृदय में कभी कभी प्रतिष्ठा की भावना रहती है, हैं? हम बहुत बड़े बनेंगे, सारा दुनिया हमारी पूजा करेगा, सारा दुनिया में हमारी प्रशंसा होगा, और कोई कोई सोचते हैं हम कहीं एक निर्जन जगह में जाकर के, प्रभुपाद कहते हैं प्रतिष्ठा मतलब किसी निर्जन जगह में जाकर के हम बैठे रहेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, बोले केवल फलाहारी बाबा कुछ नहीं खाते, नहीं तो केवल दूधहारी बाबा, सारा दुनिया आकर मेरा पूजा करेगा केवल दूध खाते केवल फल खाते, इतने बड़े साधु है। इसलिए कुछ निर्जन में भजन करना, एकांत में कहीं निर्जन जगह में भजन करेंगे सारा दुनिया आएगा भरे बड़े साधु है, एकांत में जंगल में बैठेगा। कहते जो प्रतिष्ठा भावना है कहते भैया इसको भी निकालो हाँ। बोले जो कुटिन आती है जीव के हृदय में, जो कपटता है कभी कभी हृदय में रह जाती है हाँ? कपटता मतलब है बाहर एक और भीतर एक भावना। कहते नहीं, कपटता रहेगा तो उसके हृदय में, इसलिए कृष्ण पहले ये बगुला कुमारी बकासुर, बकासुर मतलब ये कपटता है। बोले हृदय से ये कपटता को निकालो, हृदय से हाँ? ये कपटता को हृदय से निकालो। इसलिए उन्होंने अच्छे तरह से धोए, फिर देखा कहीं कहीं पर था स्पॉट रह गया, थोड़ी सी दाग रह गया, फिर महाप्रभु अपना कपड़े को लेकर घिसे, उसको घिस घिस कर निकाले। बोले वो क्या चीज है, कहते हैं कभी कभी साधक स्त्री पुत्र परिवार संसार मुक्ति सब छोड़ देता है, लेकिन एक चीज छोड़ना बहुत सबसे बड़ा कठिन होता है। कहते एक चीज को वो छोड़ नहीं पाता, बोले वो क्या है, बोले प्रतिष्ठा हाँ? प्रतिष्ठा की जो भावना है वो इतने जोर जबरदस्त, देखना जितने झगड़ा पगड़ा होता है ना प्रतिष्ठा को लेकर के, अपना इज्जत को लेकर प्रतिष्ठा को लेकर जितने झगड़ा पगड़ा होता है। कहते भैया ये प्रतिष्ठा को छोड़ना बड़ा कठिन होता है, इसलिए महाप्रभु बोले हाँ? इसलिए ये प्रतिष्ठा को भी निकालो, घिस घिस करके हाँ? इसलिए ये चीज को भी निकालो। उसमें बताया जीव हिंसा, कहते ये जीव हिंसा को निकालो। बोले जीव हिंसा दो तरह का, कहते पहला जो जीव हिंसा जैसे मांस खाना हाँ? मछली खाना, अंडा खाना, प्याज लहसुन खाना, कहते ये जीव हिंसा है, ये चीज को छोड़नी चाहिए, कली का स्थान है हाँ? ये कली को उन्होंने परीक्षित महाराज कली को वहां पर स्थान दे दिया, इसलिए इसका नाम मांस, ये संस्कृत शब्द है, मांस मतलब होता है मां मतलब मुझे, सह मतलब वह, मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, इसलिए मांस जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, इसलिए उसको अंग्रेजी में कहते मीट,
मीट मतलब क्या? मी ईट, मी मतलब मुझे और ईट मतलब खाना। तो अभी जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, इसलिए मी ईट मुझे खाएगा जिसको तुम खा रहे हो। इसलिए भागवत में भी, ये भागवत में भी श्लोक है, उसमें बताए बोले जे तो नैवम विदसंतु सदा सदभिमानिन पशुन दृहंत बृहस्पति, भागवत का श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं इसी जीवन में हम जिसको काट काट के खा रहे हैं, अगले जीवन में फिर वही हमें काट कर खाएगा। अगर हम उसको एक थप्पड़ लगाएंगे वहां पर पांच थप्पड़ लगाएगा, हाँ एक थप्पड़ मारोगे पांच थप्पड़ मारेगा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया है। हाँ इसलिए भागवत में कथा आती है, सुरत राजा थे, वो यज्ञ में पशु हत्या करते थे। हाँ यज्ञ में पशु हत्या करते थे। नारद जी बोले क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ में बताया पशु हत्या करने के लिए, बोले इसका परिणाम जानते हो क्या? उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने उसका शरीर छूटते ही देखा, जितने जानवर को मार रहे थे सब लाइन करके खड़े थे खड़ग लेकर के, और उसको जब ले जा रहे थे इसको शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे उसको, वो चिल्ला चिल्ला रहा था, बोले तुम भी हमें जब काट रहा था हम भी चिल्ला रहे थे, तुम छोड़ा था? इसलिए बाप अपना बाप वो फिर नहीं छोड़ता है। इसलिए ये जीव हिंसा को हमें त्याग देनी चाहिए। देखो संतों लोगों ने तो ऐसे ऐसे शब्दों प्रयोग किया जो सोच नहीं सकते हो, अब बुरा नहीं माना, ये माछ मछली कितना गंदा चीज बोलते थे। और जैसे जहां पर ये डेड बॉडी जलता है, डेड बॉडी को जहां जलाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? शमशान। कहती है जो पशु पक्षी जो मर जाते हैं, माछ मछली पशु पक्षी जो मर जाते हैं, वो अगर हमारे घर में आकर पकने लग जाए फिर हमारा घर क्या हो गया? घर क्या हो गया? वो भी घर भी शमशान भूमि बन गया। हाँ जहाँ पर डेड बॉडी को हम गाड़ देते हैं उसको कबरगाह कहते हैं, ग्रेवी है, क्या बोलते हैं? ग्रेवी कहते हैं। जहाँ पर डेड बॉडी को अगर ये माछ मछली किया, डेड बॉडी जब हम पेट में डाल दिया फिर हमारा शरीर क्या बन गया? ये ग्रेव बन गया है। हाँ इसलिए जब कोई जानवर मर जाते हैं, हमारे देश में जो भैंस गाय गैया जब मर जाते हैं, कुत्ते उसको फेंक देते हैं, उसको कौन खाता है? सियार, ग्रीत, कुत्ते, हाँ सब कौए ये सब खाते हैं। कहते मरने ये सब जानवर मरने के बाद जब कोई खाते हैं कहते उसको इंसान नहीं है सबके साथ। इसलिए ये सब चीज के लिए इसलिए महाप्रभु ने कहते जीव हिंसा, ये एक जीव हिंसा। दूसरे चीज मन महाप्रभु ने बताए बोले और सबसे बड़ा जीव हिंसा किया, बोले सबसे बड़ा जीव हिंसा जो लोग शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करते, विध भक्ति को प्रचार करते हैं। हाँ सहजिया जाति गोसाई आव बाउल नेरा नेड़ी जो अपसंप्रदाय जो शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करते हैं, कहते ये भी एक जीव हिंसा। क्योंकि जीव को आप सही भक्ति की बात नहीं बता रहे, प्योर भक्ति की बात तुम नहीं बता करके तुमने हाँ आउल बाउल नेड़ा नेड़ी जितने से अपर संप्रदाय का प्रचार कर रहे हो, ये भी एक तरह का प्रभुपात कहते हैं जीव हिंसा। इसलिए महाप्रभु ने सबको घीस घीस करके निकाले, बोले ये चीज को हृदय से संपूर्ण निकालो तभी जगन्नाथ जी आकर के तुम्हारे हृदय में तभी बैठ सकते हैं। इसलिए ये गुंडीचा मंदिर में अर्जुन को बाद में फिर महाप्रभु राधा भाव में विभावित होकर के श्री जगन्नाथ जी को हृदय में बैठाए। हाँ हृदय में बैठा करके ठाकुर जगन्नाथ जी को खींचते हुए ले जा रहे हैं। श्रील गौर गोविंद महाराज सबसे बढ़िया बात बताए, बहुत अच्छी, जिसको सुन करके हमारे महाराज जी बहुत खुश हो गए। ये बात जी को ये श्री गौर गोविंद महाराज किसी पुराना ग्रंथ से उन्होंने ये चीज को निकाली, उड़ीसा पुराना किसी ग्रंथ से वो चीज को उन्होंने प्रकटित किया है, जिसको सुनकर महाराज जी बोले ये तो मेरा हृदय की बात आपने बताया, मेरी हृदय की बात आपने बताया, ये तो नई बात है। हाँ आप अभी अब श्रवण कराया, प्रभु लोग बोल रहे थे जगन्नाथ जी ऐसे क्यों बने, क्योंकि द्वारका में जब कृष्ण द्वारका में गए, वहां पर जब कृष्ण द्वारका में रहते थे उसी समय महिष जी ने देखा कृष्ण हमारे साथ में सोते हैं, रहते हैं हमारे साथ में, लेकिन याद करते हैं ब्रज को। ये गोपियों ने किया जादू टोना कर दिया, हम तो एक से सुंदरी और एक एक राजकुमारी सारे आर्टों में सारे विद्या में हम पारंगत हैं। हाँ हर तरह से 16,108 पटरानियां सब मिलकर कृष्ण को सेवा करते हैं, कृष्ण सोते हैं हमारे पास में, ये याद करते राधा रानी को।
और ललिता विशाख को याद करते हैं, पता नहीं ये ग्वाल इंडिया क्या जादू टोना कर दिया इनको, इनको क्या कर दिया ये उनको। फिर जब उन्होंने ब्रज की कथा सुनाने के लिए बोले, कृष्ण ब्रज में कैसी कथा क्या करते थे, फिर रोहिणी मैया जब उन्होंने ब्रज की कथा सुनाई, कृष्ण बलराम को जो पता चला, उन्होंने आकर के उन्होंने ब्रज की कथा सुनते सुनते, इनकी ब्रजवासियों की प्रेम की बात सुनते सुनते, विशेष करके राधा रानी की प्रेम की कथा सुनते सुनते, कृष्ण स्वयं द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत होकर के ये जो द्रवीभूत है उसमें प्रेम का 8 लक्षण है, हां, श्वेत कंप अश्रु पुलक वैवर्ण वेपथ, उदा 8 लक्षण है। ये एक लक्षण है जो द्रवीभूत होना, हां, प्रेम में पिघल जाना, इसलिए जगन्नाथ जी ब्रज की कथा सुनते सुनते पिघल, ये एक कथा है। दूसरी कथा श्री हमारे जो गौर गोविंद महाराज जो संग्रह किया है, मतलब कृष्ण जब से ब्रज से छोड़कर गए तब से ब्रज का जो दशा बड़े दुर्दशा है। ब्रज में जब से कृष्ण गए तब से ब्रज में कोई चूल्हा नहीं धरा है, कोई खाना नहीं खाए, वहां के जो कोयल जो कुहू कुहू करते थे वो कुहू कुहू करना भूल गए, मयूर जो के का करते थे वो के का करना भूल गए, गैया जब घास खाते थे अब कृष्ण विरह में गैया घास नहीं खाते, बछड़े जो दूध पीते थे बछड़े दूध पीना छोड़ दिया, जो गोपियां जहां पर जो उद्धव कियारी में जहां पर बेहोश होकर गिरी हुई थी तब से वो घर से कोई वापस नहीं गए, हैं, और राधा रानी तो अचेतन होकर के अज्ञान अवस्था में से राधा रानी पड़ी, सारे ब्रज कृष्ण विरह में दुखी है, केवल ब्रज दुखी नहीं कृष्ण भी ब्रजवासियों को दुखी, बड़े दुखी है कृष्ण भी चेयरमैन, यही कृष्ण तो यही रस विप्रलंब रस का आस्वादन करना चाहते हैं, कृष्ण भी दिन रात ब्रजवासियों की कथा, ब्रज गोपी राधा रानी की, एक दिन क्या हुआ कृष्ण राधा रानी की प्रेम की कथा चिंता करते 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 कृष्ण एक दिन द्वारका में बेहोश हो गए। जब कृष्ण बेहोश हो गए सारे द्वारकावासी बड़े चिंता में पड़ी गई, अभी क्या होगा अभी क्या होगा, कृष्ण बेहोश हो गए। इतने में श्री नारद जी आए, तो नारद जी को बोले एक काम करो, आप वीणा में बड़ा सुंदर कीर्तन करो, कृष्ण फिर कृष्ण कीर्तन सुनकर उनको होश आएगा, ब्रज की कीर्तन करो। नारद जी ने कहा देखो मैं तो कीर्तन कर सकता हूँ, जब ये कृष्ण जगेगा ना वो फिर रहेगा नहीं, वो छोड़कर चल जाएगा तुमको, वो वृंदावन चले जाएगा, द्वारका में नहीं रहेगा, बड़ी विपत्ति आ जाएगी। बोले फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, बोले देखो एक काम करते हैं, हाँ श्री उद्धव जी को बोलो तुम ब्रज में जाओ, तुम जा करके ब्रजवासियों को बोलो देखो कृष्ण अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं कृष्ण अभी यहाँ पर आएंगे, तुम कुछ दिन के लिए कृष्ण को लेकर जाओ ब्रज में, कुछ दिन उनको साथ में रहना, और फिर जब कृष्ण को होश आ जाएगा कृष्ण सही हो जाएंगे किसी तरह से भुला करके उनको फिर यहाँ ले आना। बोले भैया मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों, बोले कुछ दिन पहले मैं भी गया था, कृष्ण जब भेजे थे मैंने ये ब्रज का स्थितियों को देखा, ये ब्रजवासी कृष्ण को कितने प्रेम करते हैं, हाँ कृष्ण विरह में कितने दुखी, मैंने भी देखा है, जिनके प्रेम को देख करके उद्धव जैसे व्यक्ति राधा रानी के चरण की एक धूल की उन्होंने वंदना की, वहां पर घास गुलमलता बनने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। बोले जगत में अगर किसी की जीवन धारण करना सार्थकता इस ब्रज गोपियों की, इनके कृष्ण के प्रति जो प्रेम है विश्व ब्रह्मांड में ऐसे प्रेम हमें कभी देखा ही नहीं, ऐसे कभी प्रेम। इसलिए मैं भी ब्रजवासियों को बोल करके आया था जरूर मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा, अगर अभी जाऊंगा ना बोले बड़े झूठे है, पहले तो बोल कर गया था लाया नहीं, अभी फिर कोई बात बोलने बोले बड़े झूठे बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। फिर श्री बलदेव प्रभु को बोले तुम जाओ, बोले भैया मैं भी गया था, कृष्ण मेरे को भेजे थे मैं भी गया था, मैं भी ब्रज का स्थितियों को देखा कैसे ब्रजवासी कृष्ण को कितने प्रेम करते हैं, हाँ मैं भी देखा, मैं भी ब्रजवासियों को बोल करके आया था मैं कन्हैया को जरूर लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी तो कन्हैया केवल बहाना बनाते रहे लेकिन अभी गए नहीं, मेरे को बोले बड़े झूठे हैं, दो बार आ गया वही झूठे बात बताने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। किसी तरह से सुभद्रा बोली भैया मैं चलूंगा क्योंकि मैं स्त्री हूँ और वहां सब स्त्री गोपियां हैं, मैं जाकर के स्त्री के पास स्त्री स्त्रियों में मिल जाती हैं,
बोले मैं जाकर के मैया जसोदा की गोद में बैठ जाऊंगी, गोपियों को पास में चला जाऊंगी, फिर उनको बोलूंगी कृष्णा अभी अभी आ रहे हैं, लेकिन रास्ता में कुछ लोग उनको रोक दिए, हाँ पूजा सेवा कर रहे हैं, आने में देर हो रही। जब श्री सुभद्रा तैयारी हुई, ताओ भैया बल फिर तुम्हें चलूंगा, मैं चलूंगा, क्योंकि अकेली सुभद्रा स्त्री है, उनको अकेली नहीं भेजनी चाहिए, जब बहनी जा रही मैं जाऊंगा। इतने जो वो चलेगा तब बोले देखो काम करो, सुंदर रथ बनाओ, हाँ सुंदर तीन रथ बनाओ, एक तो सुभद्रा के लिए रथ बनाओ, एक श्री बलदेव प्रभु के लिए रथ बनाओ, और एक कृष्ण के लिए रथ बनाओ, तीनों रथ बनाओ, हाँ और सुभद्रा रथ को बीच में रखो, क्योंकि यह स्त्री है बहनी है, पहले श्री ताऊ भैया जाएंगी अपना हाव में सलोक लेकर के, हाँ बीच में, हाँ बीच में चलेगी सुभद्रा, बीच में चलेगी। अब देखना राम लक्ष्मण सीता जब चलते हैं सामने कौन रहता है, राम है, बीच में सीता है और पीछे लक्ष्मण चलता है, सीता लक्ष्मण, यानी यहाँ पर पहले बोले श्री बलदेव प्रभु पहले चले, ये बहन है ना, इसलिए बलदेव प्रभु स्त्री सुभद्रा को बीच में रखो और कृष्ण के लिए पीछे, के लिए तीन रथ बनाओ, सुंदर सुंदर रथ बनाओ। और श्री नारद जी को बोले तुम सुंदर तुम कीर्तन करो, तब श्री नारद जी बड़े सुंदर उन्होंने ब्रज के उन्होंने कीर्तन किया, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि I'm
थोड़ी सी रुक जाओ, 5-10 मिनट रुक जाओ, फिर सीढ़ी में ला करके सब बैठ घुमा करके बैठ जाओ, फिर कथा सुन लो। हाँ बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। हाँ हरि कृष्ण हरि बोल, बैठ जाओ 10 मिनट बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ 10 मिनट कथा सुनो, उसके बाद में फिर गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। अभी श्री नारद जी बड़ा सुंदर प्यारी प्यारी मीठी मीठी उन्होंने ब्रज के उन्होंने कीर्तन सुनाए। जब उन्होंने ब्रज के कीर्तन सुनाए, कृष्ण और ब्रज भाव में विभागित होकर कृष्ण लेट हुए थे। इतने में धीरे 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 कृष्ण का धीरे धीरे होश आया। कृष्ण का जब धीरे धीरे होश आया, कृष्ण खड़े होकर के ना त्रिभंग और ललित रूप में खड़े होकर के कृष्ण बंसरी बंसरी बजाना शुरू करना शुरू किया। कृष्ण अभी तक कृष्ण जब से द्वारका वृंदावन में आए, वो वृंदावन में ही कृष्ण खड़े होकर के बंसरी बजाया करते थे, कभी द्वारका में नहीं। कृष्ण कभी द्वारका में त्रिभंग ललित रूप में कभी खड़े नहीं हुए, केवल वृंदावन में त्रिभंग। सारे जितने द्वारकावासी जीवन में पहला बार देखा कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर के खड़े हुए, सब उनके ब्रज की भाव देख करके आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन कृष्ण तो खड़े हुए ऐसे, लेकिन हाथ में बंसुरी नहीं, क्योंकि कृष्ण भी द्वारका में वृंदावन में तो है कि बंसुरी नहीं। कृष्ण बोले मेरे बंसुरी कहाँ चले गए, कृष्ण सोच रहे वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन चिंता करते करते बेहोश हो गई। बोले मेरे बंसुरी कहाँ गए, बोले लगता है जरूर ये ललिता सखी ने मेरे बंसुरी को चुराया, नहीं तो ये विशाखा ने मेरे बंसुरी को लेकर के राधा रानी को दे दिया। हाँ ये यही लोग हैं जरूर मेरे बंसुरी को चुराए। इतने में हठात उन्होंने देखा सामने उद्धव जी। बोले उद्धव जी तू कैसे यहाँ आ गया, ये तो वृंदावन, उद्धव तो रहता है मथुरा में, द्वारका। बोले तुम यहाँ से कैसे आ गया। देखा नारद जी, बोले नारद तुम भी हो, तुम सबके सब यहाँ पर कैसे आ गए, ये तो वृंदावन में। इतने में नारद जी ने कहा प्रभु जी ये वृंदावन नहीं है, ये द्वारका है, ये जो सामने देख रहे हो ये जमुना नहीं, ये तो समुद्र है। आप तो अभी द्वारका में प्रभु, आप तो वृंदावन की चिंता करते करते आप बेहोश हो गए थे। कृष्ण को धीरे 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 होश आया। बोला अरे सही बात, हम तो मेरे हम तो शादी हो गई, 16,061 पटरानी बन गई हमारी। हाँ इतने में कृष्ण को जब फिर धीरे 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 ज्ञान आया, फिर कृष्ण को ब्रज की चिंता आई, तो कृष्ण तो वृंदावन के लिए दौड़ लगा। कहाँ मेरी वृंदावन, कहाँ मेरी राधे, कहाँ ललिते, कहाँ मेरी श्यामली धवली, कहाँ नंद। कृष्ण वहां से दौड़ लगाए। जब दौड़ लगाए इतने में उद्धव जी नारद जी बोले प्रभु हमको पहले से ये बात पता था, जब आप उठोगे आप यहाँ नहीं रहोगे, वृंदावन के लिए आप दौड़ोगे, आप चिंता मत करो, आपके लिए हमने रथ बनाया, आप अकेले नहीं सुभद्रा जाएगी, आपको साथ में दाऊ भैया भी चलेंगे, आप भी चलोगे। अभी जगन्नाथ जी अभी संपूर्ण कृष्ण प्रेम में पूरा नशे में है। हाँ जैसे कोई शराब पी लेता है ना ऐसे ऐसे चलता है, शराब को देखा ज्यादा शराब पी ले कैसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। आप जगन्नाथ जी रथ यात्रा में अगर कभी आप चैनल को लगाना, आप देखना जब जगन्नाथ जी को ले करके आते हैं मंदिर से, मंदिर से अंदर आप ठीक जगन्नाथ जी को देखना कैसे होते हैं। हाँ जगन्नाथ जी ऐसे क्यों होते हैं, आप देखना ऐसे पूरा पीछे चीज पड़ जाए, आप देखना कितने लोग, कितने मोटे मोटे पंडे लोग, हाँ कितने मोटे मोटे लंबे चौड़े पंडे लोग। हाँ जैसे किसी कीड़े को जैसे चींटियां पकड़ लेते ना, ऐसे चारों तरफ में जगन्नाथ जी को पकड़ते हुए देखोगे। हाँ कितने मोटे मोटे पंडे लोग, और जगन्नाथ जी पूरा ऐसे हो जाए, कभी ऐसे हो जाए, कभी आप देखा जगन्नाथ कभी ऐसे। बोले क्यों क्यों ऐसे जगन्नाथ जी, बोले संपूर्ण ब्रज प्रेम में गोपियों की राधा जी की प्रेम में वो संपूर्ण डूबे हुए। सबसे बड़ा नशा किया कृष्ण भक्ति, प्रेम के नशा में डूबे हुए जगन्नाथ जी, इसलिए ऐसे ऐसे डोलते डोलते जगन्नाथ जी, और सब लोग पकड़ करके जगन्नाथ जी को ला करके श्री रथ यात्रा में ऊपर में बैठाते हैं, उनको ऊपर में बैठाए। फिर तो जगन्नाथ जी का रथ बलदेव सुभद्रा का रथ आया, जब आया इधर किया हुआ, इधर श्रीमती राधा रानी, कृष्ण चिंता करते करते राधा रानी भी बेहोश होकर कृष्ण गिर में पड़ी हुई। लगता है और कृष्ण से मेरा मिलन नहीं होगा। बल्कि सखियां
अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा, मेरे शरीर में पांच चीज को तरह शरीर बना हुआ था, एक पानी से, बल्कि मेरे शरीर का जो पानी है इसको लेकर के जमुना में डालते हैं। कृष्ण जब जल विहार करेंगे, कम से कम कृष्ण का शरीर को स्पर्श करूंगा, उसमें मिट्टी है शरीर में, बोले मेरे शरीर का जो मिट्टी को कृष्ण जहाँ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उनके आंगन में ये मिट्टी को डाल देना। कृष्ण जब क्रीड़ा करेंगे, खेलेंगे, कम से कम उनका चरण को स्पर्श मिलेगा। कहते मेरे शरीर में जो हवा है, बोले वृंदावन में लेकर के कृष्ण जी जंगल में विहार करते हैं, वो हवा को ही पर छोड़ देना, कम से कम कृष्ण का शरीर को मैं स्पर्श करूंगा। मेरे शरीर में कहते उसमें जो आकाश है, कहते मेरे को वृंदावन में ले जाना। कृष्ण जब गैया चराने जाएंगे सखाओं के साथ, ऊपर से मेघ बन जाऊंगा। मेघ बन करके जैसे फुहारा होता है पानी का, ऐसे फुहारा जैसे कृष्ण को मैं पानी छोड़ते रहूंगा, उनको कृष्ण को भिगाते रहूंगा। बोले मेरे शरीर में जो अग्नि है, बोले कृष्ण जो शीशा में अपना रूप को देखते हैं, मेरे शरीर का अग्नि को शीशा में देखना। कृष्ण कम से कम, कृष्ण जब देखेंगे अपना परछाई को, कम से कम उसमें मिल करके मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। ऐसे करते 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 तो इतने में राधा रानी तो कृष्ण विरह में पूरा अचेतन हो गई, पूरा बेहोश हो गई राधा रानी। जब बेहोश हो गई, इतने में कृष्ण आ रहे हैं, कहां से कृष्ण आ रहे हैं, द्वारका से दौड़ दौड़ करके आए। कृष्ण जब दौड़ दौड़ करके आए, कृष्ण जब राधा रानी को पास में आए, उन्होंने सुना राधा रानी तो मेरे विरह में बेहोश हो गई। इतने में ललिता और विशाखा सखी आकर के जब देखा कृष्ण आ गए, जाकर राधा रानी को कहना में कहते, बोले हे राधे, जिस श्याम सुंदर के लिए तुम इतने विरह में दुखी हो, वो श्याम सुंदर आ गए हैं। देखो आग खोल कर देखो, जब उनको कान में कृष्ण का नाम सुनाते, इतने राधा रानी आग खोलती है, हाँ आग खोलती है, आग खोलती, जब खोलती है कृष्ण, जब राधा रानी को दर्शन की, जो कृष्ण कभी जो जगन्नाथ जी का जो रूप देख रहे हैं, उनका हाथ ऐसे हो गया, आग इतने इतने बड़ी हो गई, प्यार अंदर में घुस गया। हाँ बलदेव सुभद्रा की केवल राधा रानी को दर्शन करते 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 कृष्ण ऐसे द्रवीभूत होकर के ये तीन मूर्ति बन जाते, तीन मूर्ति बन गए। हाँ इतने में राधा रानी धीरे 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 से राधा रानी की जो होश आए, राधा रानी बोलते पहले श्याम सुंदर के धीरे धारण कराओ। फिर नारद जी वहां पर सुंदर कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुनते 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 जगन्नाथ जी बलराम सुभद्रा सुदर्शन चक्र जो ऐसे रूप बन गए थे, फिर धीरे 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 ये तीनों का होश आता है, फिर ये तीनों तीनों अपना मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। आज कृष्ण इतने प्रसन्न, इतने खुश हुए कि मेरे राधा रानी से मिले, ब्रज की याद आया, कृष्ण बड़े प्रसन्न, बोले नारद जी आज मैं बहुत खुश हूँ, वर मांगो। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा खुश होता है ना, आप कोई चीज मांगो खुश होकर दे देता है। कृष्ण बोले आज मैं बहुत खुश हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। नारद जी बोले हे प्रभु, आप यही रूप को लेकर के श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में आप इसी रूप से आप पूजा करें और यही रूप सबको दर्शन दे करके, इसलिए बोले रथे बामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। पुराण में बताया अगर जगन्नाथ जी को रथ ऊपर में एक बार खड़े जो ठाकुर जी को दर्शन कर लिया, एक बार दर्शन कर लिया, बोले उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। हाँ जगन्नाथ जी का मुंह देखो कितना बड़ा, हंसी देखो कितना बड़ा, जगन्नाथ जी का मुंह जब हंसते है ना, इतना बड़ा जगन्नाथ जी का हंसी, खूब खुशी और आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे, खुश हो गए। बोले इतने खुश क्यों, बोले जा रहे हैं आज ब्रजवासियों से मिलने के लिए, हाँ ब्रजवासियों से मिलने के लिए इसलिए खुश है। कभी जगन्नाथपुरी में जाना, मैं उन जगन्नाथ का देश का मैं हूँ, कभी 5-6 किलोमीटर हमारा घर है वहां से। हमारे देश में बोलते थे, बोले खबरदार जो स्त्री गर्भवती होती थी ना पेट में जिसका बच्चा, बोले खबरदार रथ यात्रा देखने मत जा। बोले क्यों, बोले तुम्हारी जो पेट में जो बच्चा है ना उसका आंख बड़ी बड़ी हो जाएगी, आंख बड़ी बड़ी हो जाएगी। जगन्नाथ जी आंख इतने बड़े बड़े आंख देख रहे हैं ना, मतलब जगन्नाथ जी जब रथ के ऊपर बैठते ना, उनकी ऐसे कृपा है, ऐसे प्रसन्न है, कभी गर्भ में जो बच्चा है उसको ऊपर में भी उनको प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए अब जगन्नाथ रथ यात्रा में जाओ, जब हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाते हैं, दरवाजा स्क्रीन बंद कर देते हैं, अंदर में रख करके मंत्र पढ़ कर, वहां ऐसे नहीं, जितने दूर तक रथ केवल जगन्नाथ ने आगे पीछे जहां जितने दूर तक रथ की झंडा दिखेगा, जय जगन्नाथ बोल करके, जय जगन्नाथ, बस तुलसी बता देते भोग लग गया जगन्नाथ जी।
जितने जितने दूर से ऐसे जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं, इतने जगन्नाथ जी प्रसन्न, इतने जगन्नाथ जी खुश रहते हैं। इसलिए ये जो कथा हमने सुनी है, हाँ, जगन्नाथ जी जब जाते हैं ना, लक्ष्मी को नहीं लेके जाते, वो केवल कृष्ण इसको लेकर जाते हैं, सुभद्रा बलदेव प्रभु को, लक्ष्मी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर नहीं जाते। क्यों? वो भाव को नहीं समझेगी। लेकिन जगन्नाथ जी बहाना बनाते हैं। अभी जगन्नाथ जी सोए हुए हैं, बुखार की लीला की हुई है, बुखार की लीला नहीं, और वो लक्ष्मी को मना रहे हैं। बोले लक्ष्मी को क्यों, अभी जगन्नाथ जी जाना चाहते वृंदावन। अगर एक पति का दो पत्नी हो, एक पति का अगर दो पत्नी हो, अगर कोई पति बोले हम दूसरे पत्नी से मिलने जाएंगे एक पत्नी को, पत्नी क्या बोलेगी, छोड़ेगी? वो पत्नी छोड़ेगी? बोले जा रहे हो जाओ, आने का जरूरत नहीं तो उसको रोटी पानी बांध देगी, बात ठीक से नहीं करेगी, टेढ़ी मेढ़ी बात करेगी। इसलिए जगन्नाथ जी लक्ष्मी को 15 दिन तक एकांत में मना करते हैं। तो मेरी को थोड़ी सी आदेश दे दे, मैं एक दो दिन के लिए ब्रज में घूम करके आ जाऊंगा। लक्ष्मी बड़े कष्ट से उनको आदेश देती है, दो दिन के लिए, बोले आज जा रहा हूँ, कल परसों वापस आ जाना है। लेकिन जगन्नाथ जब गए 5 दिन तक आए नहीं, लक्ष्मी को इतना क्रोध आ गया, लक्ष्मी को उसने जाकर के पहिया को तोड़ दी जगन्नाथ जी, क्रोध को मारे, बोले ब्रजवासी को पकड़ पकड़ कर ले आओ, मेरे पति बोला था परसों आने के लिए, 5 दिन तक रोक लिया है। और लक्ष्मी सारा दुनिया में ढिंढरा पिटवा देती है। अगर एक व्यक्ति का स्त्री है, अगर वो व्यक्ति और किसी लड़की को सारा प्रेम करे, आप देखना क्या करेगी, सारा दुनिया में उसका नाम को ढिंढरा पिटवा देगा, सबको बोलते रहेगी ये क्या कर रहा है, देखो हमें शादी किया और उसको दूसरे को प्रेम करता है, सारा दुनिया में ढिंढरा। लक्ष्मी सब दुनिया को बोलती है ये क्या कर रहे हैं जगन्नाथ जी, हाँ, ये गोपियों को साथ में चला ढिंढरा पिटवा दे। इसलिए जगन्नाथ जी कितना दिन करके 15 दिन के बाद में जगन्नाथ जी आते, जब आते है ना, लक्ष्मी दरवाजा बंद कर देती, बोले नहीं, पहले से बलदेव प्रभु अंदर में आते हैं, लक्ष्मी अंदर दरवाजा बंद कर देती, मंदिर की घुसने नहीं देती। बलदेव प्रभु आते हैं, बोले ये कौन आ रहे हैं, बोले तुम्हारे जेठ, हाँ तुम्हारी जेठ, अभी जेठ को साथ में कोई तो लड़ाई झगड़ा नहीं, बलदेव प्रभु, बोले भैया दरवाजा खोल दो, हाँ। फिर उसको बाद में सुभद्रा आती है, बोले कौन आ रही है, बोले तुम्हारी ननंद आ रही है, बोले ननंद को साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बोले भैया ननंद आ रही है दरवाजा खोल दो। जब जगन्नाथ जी आते हैं ना, बोले कौन आए, बोले तुम्हारे खसम जगन्नाथ जी आ रहे, बोले दरवाजा बंद करो, जगन्नाथ दरवाजा मत, घुसने मत दिया करो। लक्ष्मी प्रश्न करती है, क्या बात है, कितने दिन के लिए गए थे, बोले परसों आ जाएगी, कितना दिन हो गया, आने का जरूरत नहीं, जहां से आए वहीं जाओ, वहीं वापस जाओ, यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन जगन्नाथ जी को पता हो तो कन्हैया छलिया है ना, और राधा रानी को मनाती है, दुर्जयमान को, ये लक्ष्मी की मनाने के लिए कोई कठिन की जरूरत नहीं, उनको पता है अगर किसी स्त्री को खुश करना चाहिए तो जगन्नाथ जी को पता है कैसे खुश करोगे। जगन्नाथ जी क्या शिक्षा देते थे, जगन्नाथ जी बोले, बोले मैं क्या करूं, जब मैं विदेश गया हूं खाली हाथ में तो नहीं आ सकता, तेरे लिए कुछ लाए बगैर खाली हाथ से नहीं आ सकता। बोले क्या क्या हुआ, मेरे लिए क्या लाए, बोले तुम्हारे लिए बढ़िया सुंदर, जो हमारे हाँ कहते बड़े सुंदर साड़ी, हाँ कहते बड़े सुंदर साड़ी तेरे लिए मैंने ऑर्डर दिया था, जिसमें सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम, हाँ वहां पर बड़े सुंदर साड़ी मैंने ऑर्डर दिया था, और तेरे लिए तेरे लायक तो जो अलंकार तुम चाहते हो, गहना सोने की, प्योर सोने की मैंने ऑर्डर दिया था, अगर वो देने में लेट कर देगा तो मैं क्या करूं। और बोले तो देने में लेट कर दिया तो मैं क्या करूं। जब लक्ष्मी जब सुनती है बड़े सुंदर, जिसमें सोने की एम्ब्रॉयडरी का बड़े सुंदर के शिक्षा दे, स्त्री को खुश करना तो दो चीज को तरह बड़ी जल्दी खुश कर सकते हो, बोले उनके लायक साड़ी कपड़ा दे दो और उनके लायक गहना भी बढ़िया सुंदर सुंदर अलंकार दे दो, बाहर से खुश हो जाती है। जगन्नाथ जी को पता है लक्ष्मी को खुश कैसे करनी चाहिए, उन्होंने जब दो बात बोले, तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी और अलंकार ऑर्डर दे करके लाए, लक्ष्मी सुनते ही जो मान था ना वो नीचे उतर गया, बोले गए थे गए लेकिन मेरे को याद किया है, वहां सुंदर साड़ी और अलंकार लेकर के आए, बोले और क्या लाया तेरे को पता है, बोले क्या लाए, बोले स्पेशल रसगुल्ला ऑर्डर दिया था, हाँ स्पेशल रसगुल्ला बढ़िया, तू तेरे को जो लाए जो पसंद करती हो वो रसगुल्ला लाया हूँ तेरे लिए। सुनते ही लक्ष्मी को मुंह में पानी आ जाता है,
उनको पानी आ गया, बोले गए तो गए लेकिन मेरे को ये याद किए, हाँ ये सब चीज लेकर के आए। फिर लक्ष्मी बोलती है ठीक है दरवाजा खोल दो, फिर उनको दरवाजा खोलती है। फिर लक्ष्मी जगन्नाथ जी को आरती उतारती है, आरती उतार करके फिर जगन्नाथ जी को अंदर में लेकर के आती कि जगन्नाथपुरी में। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में कथा सुनाया, मैं जब मथुरा में पहला बार आया गुरुजी इस कथा को करके 10 दिन तक उन्होंने पूरा भ्रमर गीत गोपी गीत पूरा इसको अंदर में जो रथ यात्रा को अंदर में गुरुजी 10 दिन ना 15 दिन कथा किया था, अद्भुत गुरुदेव कथा किया जिसको तो मैं सुनकर आश्चर्य हो गया। इतने रथ यात्रा में रहस्य है पूरा उन्होंने सारे, हम तो मैं सबको शॉर्टकट में मैंने कथा सुनाया है, पूरी कथा आपको नहीं सुना कि जगन्नाथ जी का। हम गिरिराज की 5 मिनट कथा सुन लेते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले भैया गिरिराज कौन है, हमारे संप्रदाय में गिरिराज का क्या संबंध है? बोले गिरिराज की हमारे संप्रदाय में बहुत महत्व है, इसलिए देखो सनातन गोस्वामी को लवंग मंजरी रोज मथुरा से जाते थे परिक्रमा करने के लिए। सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो क्या कहते हैं, बोले निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वम है गिरिराज, तुम्हारी चरण में हमें स्थान दे दो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्रीमन महाप्रभु सबके सब गिरिराज की परिक्रमा कराए। सर्वप्रथम ये गिरिराज की परिक्रमा सबसे पहले किसने करवाए, ये कृष्ण स्वयं, राधा रानी, ब्रज गोपी, नंद, जसोदा, ये ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज की भगवान स्वयं इसकी परिक्रमा किए हैं। ये जो गिरिराज गोवर्धन है, गुरु जी कहते हैं ये सर्व अभीष्ट व्रत था, जो कुछ गिरिराज से मांगना सब गिरिराज सब दे देते हैं। गुरु जी कहते बेटी की शादी नहीं हो रही है, बोले गिरिराज के पास में जाओ, पेड़ में पेड़ बांध दो और गिरिराज को अभिषेक कर दो, गिरिराज को हाँ गिरिराज को अभिषेक कर दो, गिरिराज जी तुम्हारी सारी इच्छा को गिरिराज जी पूर्ण कर देंगे जो कुछ गिरिराज से मांगोगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं बोले तुमको कितने मंजिल मकान चाहिए, गिरिराज के पास में जाओ। अब देखना जितने शिला के ऊपर में जितना देखना वहां पर लोग गिरिराज के शिला के ऊपर शिला रख देते, बोले गिरिराज जी हमें इतने मंजिली बताने चाहिए, गिरिराज जी उतना मंजिली बता दे देते हैं। गिरिराज जी कहते जो गिरिराज की जो परिक्रमा करते हैं, बोले कृष्ण स्वयं उसको पीछे 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 कृष्ण घूमते रहते, ये मेरे से क्या मांगेगा, इतने कष्ट करके परिक्रमा करता है हाँ। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन कोई पत्थर नहीं हाँ, इसलिए से गर्द संहिता में आता है। बोले गिरिराज प्रकट कहाँ से हुई, बोले एक समय गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, बोल रहे हैं पृथ्वी में ऐसे एक सुंदर स्थान होने चाहिए, पृथ्वी का सबसे सुंदर, सबसे जहाँ पर हर तरह का फल फूल झरना नदी तालाब, पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान हो, जो हमारे क्रीड़ा की सर्वश्रेष्ठ स्थान हो। बोले प्रकृत ही मनसा जात, राधा रानी स्वयं अपना हृदय से ही गिरिराज को प्रकट किया है, राधा रानी हृदय से। भविष्य पुराण में बताया कृष्ण का नेत्र से ही गिरिराज प्रकट होते हैं। कली गिरिराज इसी जगत में आए क्यों, किस लिए आए? बोले एक दिन कृष्ण राधा जी से बोले, बोले हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तुम जाओगी? बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना नहीं, जहाँ पर नंदगांव बट मैं नहीं जाती हूँ। कृष्ण बोले मैं थोड़ी अकला जाऊंगा, ये जो गोलोक वृंदावन देख रहे हो ये पूरा के पूरा मैं उतार दूंगा, पूरा के पूरा। इसलिए कृष्ण जब आए गिरिराज यमुना नदी इसी जगत का वस्तु नहीं, गोलोक वृंदावन का वस्तु है हाँ। ये 84 करोड़ गोलोक वृंदावन से इसी जगत में आए, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। बोले गिरिराज का स्वरूप क्या है? बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश कठोर तपस्या की राधा कृष्ण की, बोले संतुष्ट हो गई, बोले क्या चाहते हो? बोले हे प्रभु हम तो आपका कोई भक्त बन करके जन्म ले ही नहीं सकते, अगर वृंदावन में हमारा पत्थर रूप में पहाड़ रूप में जन्म हो जाए, आप अगर लीला करेंगे तो हमारा सिर के ऊपर में आपका चरण स्पर्श पा करके हम जीवन का धन्य मानेंगे। इसलिए भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वयं 3 पर्वत रूप धारण किया, जो नंदगांव नहीं वो स्वयं शंकर जी, बरसाना नहीं स्वयं ब्रह्मा जी, ये गिरिराज नहीं ये स्वयं विष्णु है।
ये एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप क्या है, महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री गुंजामाला गिरिराज शिला दिया। बोले रघुनाथ ये गिरिराज नहीं, ये कृष्ण, गुंजामाला नहीं राधा रानी, ये कृष्ण स्वयं है गिरिराज। बोले इसका तीसरा स्वरूप क्या है, राधा रानी ये वेणु गीत में कहती है। बोले हंताय अद्रिय बोला हरिदास बर्ज। बोले भगवान का सबसे बड़े भक्त गिरिराज, कृष्ण वही गैया चराए, कुंज कुंज में गली गलियों में वही लीला करते हैं। राधा कुंड में जल विहार, नौका विलास, कुंज क्रीड़ा, रास लीला सब गिरिराज में किए हैं। वहीं पर उन्होंने सुंदर मधुमक्खी की छता से मधुपान करते हैं, गैया घास देकर दूध देते हैं, कृष्ण वही दूध को पीते हैं। वहां से फल फूल हर तरह से ये गिरिराज कृष्ण को पूजा किए, इसलिए ये हरिदास परिजय मतलब भगवान के सबसे बड़े भक्त गिरिराज जी। बोले भैया अगर ये हरिदास बर्जय है फिर ये पत्थर क्यों बने? बोले पत्थर क्यों हो गए? अब गिरिराज को देना पत्थर, ये पत्थर क्यों? इसका दो कारण बताए। पहला कारण बताए, जब भगवान गैया चराने जाते हैं भगवान का चरण स्पर्श पा करके, जैसे प्रेम में एक है स्तंभ, स्वेद कंप असुर, उसमें स्तंभ, उस स्तंभ पत्थर क्यों? बोले कृष्ण प्रेम में एक स्तंभीभूत हो गए, जड़ जैसे बन गए कृष्ण प्रेम में, वो जड़ता को प्राप्त करके ये पत्थर बन गए। हाँ ये एक कारण। दूसरा कारण है, अभी गिरिराज सोच रहा है कृष्ण तो कुंज कुंज में लीला करेंगे, कुंज लीला रास लीला करेंगे, अगर मैं साक्षात रूप में रहूंगा तो फिर सामने ये लीला कैसे हो सकता है? इसलिए बोले पत्थर बन गए, जैसे बाथरूम है, बाथरूम पत्थर, पत्थर से हम जैसे इच्छा करते वैसे स्नान कर सकते हैं। हाँ? उसी तरह अगर मैं पत्थर बने रहूंगा तो ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगा वैसे वो लीला कर सकते, इसलिए वो पत्थर बन करके रूप में वहां पर ठाकुर जी की सेवा करते। और एक आश्चर्य चीज देखना, गिरिराज में गए हो, देखना हर पत्थर को देखना उसमें खसखस होता है, उसमें क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, उसमें अंग्रेजी में रफ होता है हर पत्थर में। केवल एक गिरिराज गोवर्धन को देखना, वहां पर कहीं भी देखना पूरा मेल्टेड हुआ है, पूरा द्रवीभूत है गिरिराज ऊपर देखना, पूरा जैसे कई चीज को जैसे गल जाए। हाँ अब गिरिराज गला हुआ, बोले गले हुए क्यों? बोले कृष्ण प्रेम में ये द्रवीभूत हो गए, कृष्ण का चरण राधा रानी की चरण स्पर्श से ये द्रवीभूत हो गई है। हाँ इसलिए गिरिराज में ये विशेष चीज को आप देखोगे। कभी जो गिरिराज गोवर्धन कृष्ण क्यों ये गिरिराज की पूजा की, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती चार कारण बताए। पहला कारण बताए, बोले अगर पूजा करना तो और किसी को नहीं, गिरिराज की पूजा करो, और किसी देवा देव, इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा कर बंद कराया। इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का देवता है, उनका पूजा बंद कर दिया। और इंद्र कौन? सारे देवता का राजा। बोले उनका सब देवता को राजा को बंद करवा दिया। बोले जरूरत नहीं पूजा करना तो गिरिराज को पूजा करो, क्यों? हे कृष्ण है। हाँ अगर किसी राष्ट्रपति को जैसे पकड़ लिया, छोटे मोटे मंत्री को पकड़ने का जरूरत नहीं, उनका एक आदेश में सारे काम होगा। इसलिए ये सुप्रीम पार्शनल गार्ड है गिरिराज गोवर्धन, जब हम इनके शरण में आ गए, ये कृष्ण स्वयं है ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि को भी सर्व कारण कारणों से गिरिराज है। दूसरा कारण बताए, इंद्र का अभिमान हो गया था, मैं स्वर्ग का राजा की प्रजा है, भगवान उसका अहंकार को दूर करना चाहते हैं। तीसरा कारण बताए, कृष्ण सोच रहे थे ब्रजवासियों को साथ में मैं सात सात दिन तक उत्सव करूंगा, इसलिए उन्हें कैसे उत्सव करेंगे? बोले गोपी राधा रानी से मिलना बड़ा कठिन होता है, जब इंद्र बारिश बरसाएगा, जब गिरिराज धारण करूंगा, सबके सब नीचे आश्रय लेंगे, फिर तो मिलूंगा। और सबसे जो श्रेष्ठ कारण है, कृष्ण रास लीला करना चाहते हैं, लेकिन अकेले तो कर नहीं सकते राधा रानी के बगैर, गोपियों के बगैर। उदाहरण दिया, जैसे एक हीरो अगर किसी हीरोइन को आकर्षण करना हो, क्या करता है? वो हीरोइन को सामने कुछ लोगों को इकट्ठे कर देगा, करके उसके साथ में खूब मारपीट करेगा, हीरोइन को साथ में खूब मारपीट करके सबको उसने परास्त कर देगा। जब परास्त कर देगा वो हीरोइन देखेगी, भैया बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा पराक्रम, को क्या करेगी? वो अपने आप हीरोइनी, वो हीरो के ऊपर अपने आप आकर्षण हो जाता है। कहते उसी तरह कृष्ण हीरो है और हीरोइनी कौन है? एक ब्रज गोपिया है। अभी कृष्ण ये हीरो और हीरोइनी को आकर्षण कैसे करेगा? कुछ बहादुर दिखाए, इसलिए उन्होंने दो बहादुर दिखाए। बोले क्या किया? बोले एक काली को सिर पर उसने नृत्य किया, ये साधारण बात नहीं। कृष्ण बोले कोई रस्सी के ऊपर नाच सकता है, कोई तलवार के ऊपर में, हाँ लेकिन सिर पर कलश रख करके, लेकिन सांप का सिर के ऊपर कभी किसको देखा नाचते हुए? उसका कालियों का सौ सिर था, सब सिरों को बचाते हुए उन्होंने
ऐसे नृत्य किया, सारे देवता लोग बाजा बजा रहे थे। सूरदास क्या कहते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पग पग गस पम 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 फन पऊपर, बिन 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 बिनत करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, असन सन 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 कार्तिका गन 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 गंधर्व गण बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। बोले श्री काली रथन भगवान की। इसलिए सारा दुनिया को मुग्ध कर दिया। और दूसरा उन्होंने किया, गिरिराज उठाया, 7 साल का बालक, 7 क्रोस गिरिराज, और 7 दिन तक कौन सा हाथ में, हम कहते हैं ना ये कौन सा बड़ी भारी काम, ये तो हमारे बाम हाथ का काम है। बोले बाम हाथ नहीं, सबसे जो छोटा अंगुल है, हाँ, सबसे जो छोटा अंगुल है, उन्होंने सबसे छोटे अंगुल के द्वारा उन्होंने ये गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। ब्रज गोपियां तो देख देख कर बोले, हे भगवान क्या पराक्रम है, हाँ, ये 7 आप 5 मिनट हाथ पर रखो, रख नहीं सकते हो, और उन्हें 7 दिन पर गिरिराज को उन्हें उठा कर गए, गोपियां तो देख देख कर मुग्ध हो गई। इसलिए कृष्णा बास कृष्ण रासलीला का पाठ प्रारंभ किया, सब गोपियां आकृष्ट हो गई, उसको बाद में भगवान कृष्णा रासलीला करते। इसलिए गिरिराज का सबसे जो बड़ा देन है भगवान का रासलीला में, सर्वश्रेष्ठ लीला में उसने मदद की भगवान को, हाँ, इसलिए ये लीला की विशेषत्व। इसलिए कैसे सारे ब्रजवासी लोग सुंदर सुंदर मालपुआ पकवान और टफू और सोयाबीन और आज क्या क्या बनाए, पिज्जा पास्ता और क्या क्या आज बनाए, दाल राजमा और क्या बनाए, क्या क्या लाए बना करके, हलवा, हाँ, सब ब्रजवासी लोग बड़े सुंदर सुंदर खाना बना रहे थे। कृष्ण बोले, बोले पिताजी, बोले भैया भैया क्या आज मेरी जन्मतिथि, बोले नहीं, बोले दाऊ भैया को, बोले नहीं, बोले फिर, बोले जा बाबा के पास पूछो, चलो नंदा बाबा को पूछो, बोले नहीं, हम तो इंद्र पूजा करें, बोले भाई इंद्र कौन है, बोले ये स्वर्ग का राजा, हम, हाँ, हमारा मूल धन गैया, उपयुक्त समय पर बारिश करने पर घास होता है, गैया घास का, तो उससे हम सब, बोले बाबा ये कुछ नहीं, इसका अपने हाथ में कुछ नहीं, आप इनको प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो अगर आदेश दे तो फिर ये कुछ करता है, आप उसे गिरिराज गोवर्धन को पूजा करो, ये ब्रज का हमारा साक्षात देवता है, इनके आशीर्वाद से हम ब्रजवासी कर रहे, सारे ब्रजवासी राजी हो गए और सबके सब बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने खाना बनाया और गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, और गिरिराज प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, सब फलते फूलते रहो। और गिरिराज जी बोले, आज का दिन मेरे सेवा में जो एक कीड़ी का चावल मेरे भोग में लगा दिया, आशीर्वाद देता हूँ इस जीवन में अर्ण वस्त्र की किसी जीवन में अभाव नहीं, उसको घर में लक्ष्मी भरपूर रहेगी। ये स्वयं गिरिराज की मुखार के जैसी निकली हुई वाणी है, इतने महत्व से गिरिराज की सेवा की इतना महत्व है। हरे कृष्णा बोले चकाचक खाओ, चलो मृदंग करताल लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन के हम परिक्रमा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे। और एक मिनट यार, देखो हमने कितना दिन कथा सुने, 5 दिन हमने कथा सुनी, 5 दिन कथा सुनी, 5 days यू लिसन हरि कथा। देखो जो भक्ति है ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति बहुत दुर्लभ वस्तु है, भक्ति आसानी वस्तु नहीं। आप देखना, अब भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए मन को लगाना पड़ता है, फिर कोई गलती चीज में मन लगाना नहीं पड़ता है, मन अपने आप उधर जाता है, लेकिन भजन करने के लिए मन को लगाना पड़ता है, हाँ, इसलिए ये भक्ति सुदुर्लभ है। इसलिए ये भक्ति को हमें अच्छे तरह से जतन करके रखनी चाहिए। हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो हमारा गुरु जी को पास में आए। आपका गुरु जी साधारण व्यक्ति नहीं, ये राधारानी स्वयं कहती है सेवा कुंज में, सेवा कुंज को पुजारी को स्वयं राधारानी आदेश देती है। ये भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मेरे मंजरी है, ये रमण मंजरी है, यहाँ का प्रसाद लेकर के महाराज को दो, हाँ, स्वयं पुजारी प्रसाद लेकर के आता है गुरु जी के पास में, गुरु जी जब पैसा देने जाते हैं, बोले नहीं, ये राधा रानी ने मुझे आदेश दिया है, आप मेरी मेरी सखी है, उसको मेरी प्रसाद दे करके आओ, आपसे हम पैसा नहीं ले सकते।
ये स्वयं सेवा को जगह पुजारी गुरु जी को प्रसाद देकर गए हैं, इसलिए हम लोग सबके सब श्री गुरु जी को पास में आए। आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं है हा? लेकिन जैसे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, हम लोग बड़े सौभाग्यवान। लेकिन अभी इसको हमें रक्षा करनी चाहिए चीज को। गुरु जी मिले, हरिनाम दिया, हमें दीक्षा दिया किया, अभी इसकी रक्षा करनी चाहिए हमें। क्या रक्षा करनी चाहिए? हमें रोज नियमित पूर्वक सवेरे हमें उठनी चाहिए। ऐसे नहीं एक दो तीन बजे तक टीवी देखते रहे और सवेरे ना दस बजे जब फिर भजन भजन नहीं सब नहाए फिर कहीं चले गए काम में, नहीं ऐसे नहीं। महाप्रभु कहते ऐसे नहीं, सवेरे टाइम से सो और टाइम से उठो। सवेरे उठ गए के नहाओ, नहा करके जरूर जो तिलक लगाते हैं ये तिलक को जरूर लगाना। तिलक में कोई डिले नहीं करना, ये तिलक भिलो क्या जरूरत है, नहीं ये तिलक। अब देखो भगवान कृष्ण को देखो, अब भगवान जगन्नाथ जी को देखो, राम को देखो, नारायण को देखो, ये भगवान तिलक लगाते। जगन्नाथ जी को देखो, नारायण को देखो, आधा मुंह तो तिलक है। आप तो हिंदू हो देखना, जैसे कोई अच्छे काम में जाते हैं क्या कर तिलक लगाकर बेचते हैं, क्योंकि शुभ काम है, जिस काम के लिए जा रहे हो काम जरूर बनेगा, इसलिए तिलक जरूर लगानी चाहिए। एक समय को एक स्टूडेंट बिना तिलक के आ गया, महाप्रभु क्लास में बैठने दिया, निकाल दिया उसको, बोले तिलक लगाकर तुम्हारे नहीं आए। ये गोपियों की चरण धूली ब्रजवासियों का, और ये हम बारो जगह पर लगाते हैं, बारो इसका नाम ही ललाट केशवाय नमो उदर नारायण बोल रहा है, ट्रांसलेशन करता है सुनता तू, इसलिए उसको बारो अंग में हम तिलक को बारो अंग में हम लगाते हैं। एक तरह का ये रक्षा कवच है, हमें हमें कवच रूप में रक्षा करता है। हाँ ये कवच रूप में हमें रखा करता है तिलक। हाँ इसलिए मैया जशोदा कृष्ण को लगाया करती थी, और ये गोपियों की चरण धूलि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। इसलिए सबसे ज्यादा अगर सवेरे आप तिलक लगा लिया, समझो आधा भजन तुम्हारी हो गई, आधा भजन तुम्हारा हो गया, क्योंकि गोपियों की चरण धूलि को तुमने लगा दिया। हम संतों का चरण धूल लेते हैं ना, शरीर में कोई बाधा हुई नहीं आएगा। मैं रशिया में गया था, कोई एक लड़की थी, उसकी गुरु जी का शिष्य थे, लेकिन तिलक विलक उसे नहीं करती थी, उसको साक्षात भूत दिखते थे, इतना डरती रहती थी, उसको पेट में कोई बच्चा नहीं रहता था, उसको पेट में कोई बच्चा नहीं, मर जाता था बच्चा, साक्षात देखती थी आग लाल, नींद नहीं आती थी, बहुत कुछ नहीं। जब हम गए हमने कहा तुम ये तिलक लगाती हो, मंत्र पढ़ती हो, गंगे से जमुने चाहे वो गोदावरी सरस्वती मंत्र पढ़ती हो नमो अभो, कुछ नहीं करते, क्यों नहीं करते हो, गुरुदेव ने सब चीख दिया। उसने एक दिन किया तो एक दिन में जितना भूत भूत थे वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि गुरुदेव ने जो इसे मंत्र दिया है वो साधारण वस्तु नहीं, गुरुदेव ने जो दिया है, इसलिए इसको रोज सवेरे तिलक को बाद में इसको स्थापन करनी चाहिए, आचमन करनी चाहिए, गंगे से जमने चाहे गोदावरी इसको आचमन करनी चाहिए, शरीर का सारे अपवित्र चली जाती है। हाँ इसलिए गुरुदेव ने साधारण वस्तु हमें नहीं दिया, इसको रोज तिलक लगानी चाहिए, ठाकुर जी का आरती उतारनी चाहिए, अपना संख्या पूर्वक भगवान का नाम जप करनी चाहिए। हाँ गुरु जी ने पहले बताया था ये क्या नाम चिंतामणि, जो मालूम हो वही देगा, लेकिन जब तो करो तभी तो देगा, जब नहीं करोगे तो कहां से देगा। इसलिए टाइम से सारे नाम को सारे भक्ति का अंग को अच्छे तरह से कोशिश करो जाजन करने के लिए, तभी तो भगवत जगत में पैसा पाने के लिए दस दस नाम काम करते हैं। हाँ आपको पता होगा एक घंटा परिश्रम होगा तो कितना हीरो मिलता है, अब देखना कितने परिश्रम करने पर कितना, जब साधारण पैसा इतना कष्ट करते हैं और जब ऐसे एक धन मिलेगा जिसकी जन्म जन्मांतर का दुख समाप्ति हो जाएगी, जीवन का सारे क्लेश समाप्ति हो जाएगी, जहां भगवान ऐसे दिव्य धाम देंगे जहां जन्म मृत्यु दुख कष्ट जन्म जरा व्याधि कुछ नहीं, तो वो वैसे मिल जाएगा तुमको। हाँ वैसे मिल जाएगा, कितना 20-25 साल तक हम एमए पीएचडी डॉक्टर करते हैं, कितने कष्ट करते हैं जाकर, कितने कष्ट से नौकरी, अभी तो यहाँ पर नौकरी भी मिलना बहुत कठिन है। इसीलिए साधारण पैसा के लिए जिस तरह कोई सुख नहीं मिलता है, पैसा मिला तो सुख मिल गया, शादी हो गई सुख हो गई, लेकिन जिसको पाने पर तत् प्रसादात पराम शांति, जिनका आशीर्वाद से तुमको पूर्ण शांति मिलेगी, तो उसके लिए तुमको कितना करनी चाहिए, उसके लिए तुमको कितने करने चाहिए, तब तो भगवान जाकर मिलेंगे। इसलिए गुरुदेव ने जो माला दिया है, माला कभी गुरुदेव कहते माला कभी भूखे नहीं रहनी चाहिए, भूखे मतलब है एक दिन अगर ये माला जप नहीं किया तो ये माला नहीं भगवान स्वयं आए, एक दिन माला नहीं जप किया तो माला भूखे रह गया, जैसे एक दिन नहाओ मत खाओ मत
आपको अच्छा लग गया है, इसलिए एक दिन माला जब नहीं किया तो भूखे रह गए ठाकुर जी, ठाकुर जी भूखे रह गए, इसलिए एक दिन भी माला संसार का सारे काम पीछे हो जाए। गुरुदेव कहते संसार का सारे काम पीछे हो जाए वो एक दिन हो जाएगा, लेकिन अपना भजन नहीं छूटनी चाहिए। सारा दुनिया छूट जाए, सारा दुनिया तो छूटना ही है तुमसे, इच्छा नहीं करोगे तो छूटेगा एक दिन, हाँ नहीं चाहोगे तो छूटेगा संसार तुमसे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटेगा। इसलिए मरते समय क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो, कोई बोलता तेरा बीवी सत्ता, तेरा बेटा सत्ता, तेरा घर सत्ता, कोई बोलता है भगवान का नाम सत्य है, यही साथ में जाएगा, और साथ कोई जाने वाले नहीं, सब यही रह जाएगी। इसलिए पूरा दृढ़ पूर्वक भगवान की नाम का मैं विश्वास करके ये सारे भक्ति का अंग को जागरण करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सबको ले जाओ सिर पर रखकर ले जाओ। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय श्री राधे, हरे कृष्णा। Everybody go, bring some pen and paper to kirtan ka. Radha Prasad aa gaya. Usko seat par lekar ke Giriraj ki parikrama karenge sabke saath. Tum idhar aa jao. गिरिराज तुम्हारे उसमें है ना, श्री गोवर्धन महाराज उसमें कीर्तन भजन है, क्या तुम गाओ।
Oh.
Yeah.
गिरधारी जी से श्रीराधा बिरध बिहारी जी का संध्यार त्रिक जय बोले से गिरिराज गोवर्धन का संध्यार त्रिक जय जय नितलीला प्रभु विष्णु पाद अष्टोदर सदसरी सश्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जय नितलीला प्रभु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जय नितलीला प्रभु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जय नितलीला प्रभु भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय जय नितलीला प्रभु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय जय नितलीला प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय जय श्री रूपानुभव गुरुवर्ग की जय सपार्षद गौर हरि की जय हरिनाम संकीर्तन की जय भक्तदेव तुलसीदेव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा कुलंद राधा मदर की जय सर्वभूषवर्ता गिरिराज महाराज की हल्लांडवासी के भक्त वृंद की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल वृंदाई तुलसी हरि प्रियाई हे सहस्रच कृष्ण भक्ति प्रदेव संतोति नमः राधे 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 रा
हमारे ऊपर Aduh, aku tak luar.